Hey everyone, this is Shazli and welcome back to UGC Net Adda. So, आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अपकमिंग UGC Net Commerce Examination. तो आज के सेशन में एक्सपेक्टेड MCQs डिस्कस करेंगे हम लोग बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. जो भी कॉन्सेप्ट्स हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर पूछे गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आज के सेशन के अंदर हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे. जल्दी से ज्वाइन कर जाइए आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर एंड आई होप आपको ऑडियो एंड वीडियो जो है वो क्लियर आ रहे होंगे. वी विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन देन. वेरी गुड आफ्टरनून श्वेता. चलिए सारे लोग ज्वाइन कर जाइए आज के सेशन में. कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो कल के सेशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए थे, कल किए थे एंड परसों भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. सो डेली 1 PM के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड. सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए. आज का सेशन जो रहेगा उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी वो टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस ऑलरेडी पुटअप होते हैं हमारे. आई होप आपके एंड पे ऑडियो एंड वीडियो जो है वो सारी चीजें क्लियर आ रही होंगी. मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा. गुड आफ्टरनून विजय, गुड आफ्टरनून प्रियंका, गुड आफ्टरनून प्रमोद. हेलो. चलो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दे करके रखा हुआ है आज के इस पर्टिकुलर सेशन का. दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए. यहाँ पे 4 अप्रोचेस आपको देखे रखे हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी अप्रोच नहीं है. और अगर वो अप्रोच नहीं है तो ऐसी कौन सी अप्रोच है जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, क्योंकि टोटल 4 अप्रोचेस हैं हमारे पास में. तो आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए. एक तो ये बताएंगे आप कि इनमें से कौन सी अप्रोच नहीं है और दूसरा आप ये बताएंगे ऐसी कौन सी अप्रोच है जो कैपिटल स्ट्रक्चर की जो कि यहां पे आपको ऑप्शंस में नहीं देके रखी है. चलिए जल्दी से मेरे को आंसर करने की कोशिश करेंगे. रीड इट आउट वेरी केयरफुली. अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. ओके, सो आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर्स as option number A. Shweta is saying option number A as the correct answer. चलिए देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की. अगर हम बात करें इनमें से कौन सी कैपिटल स्ट्रक्चर की अप्रोच नहीं है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी बिजनेस को जब लेट से फॉर एन एग्जांपल 10 लाख के कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अलग अलग सोर्सेस से कैपिटल लेके आती है. जैसे इक्विटी से कैपिटल लेके आ सकती है, प्रेफरेंस इशू करके कैपिटल लेके आ सकती है वो पर्टिकुलर कंपनी, डेट इशू कर सकती है वो. तो कितना डेट आ रहा है, कितना इक्विटी आ रहा है, कितना प्रेफरेंस शेयर आ रहा है, ये जो है हमारा ये जो रेशियो है अलग अलग सिक्योरिटीज का, इसको हम कहते हैं इजी सी लैंग्वेज में कि ये हमारा क्या है, कैपिटल का स्ट्रक्चर है. तो बहुत सारी अप्रोचेस है यहाँ पे. कुछ अप्रोचेस कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का इफेक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म पे नहीं पड़ता. कुछ अप्रोचेस कहती है कि हाँ बिल्कुल कैपिटल स्ट्रक्चर का इफेक्ट हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म पे पड़ता है. तो यहाँ पे आपके पास में 4 अप्रोचेस देके रखी है. ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कोई अप्रोच नहीं होती है. सो दिस बी दिस इज द करेक्ट आंसर. यस एब्सोल्युटली श्वेता. तो जो अप्रोच यहां पे नहीं देके रखी हुई है दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच. 4 अप्रोचेस होती हैं. एक हो गई हमारे पास में नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दूसरी हो गई नेट इनकम अप्रोच, मोदी ग्लानी मिलर अप्रोच एंड देन हमारे पास में आ गई ट्रेडिशनल अप्रोच. नेक्स्ट आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच कोई भी कंपनी नहीं अलाउड है रेज करना फंड्स शेयर इश्यू के माध्यम से. तो वो जो अमाउंट है उसको क्या कहते हैं, वो जो कैपिटल है उसको हम क्या कहते हैं जिसके बियॉन्ड आप शेयर इश्यू नहीं कर सकते.
ऑप्शन नंबर ए इशूड कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी रिजर्व कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी नॉमिनल कैपिटल एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। चलिए आंसर देखने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। हेलो दशरथ जी, चलिए तो यहाँ पे नॉमिनल कैपिटल की अगर हम बात करें तो नॉमिनल कैपिटल क्या होता है? कंपनी का एमओए होता है। एमओए क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर एक क्लॉज होता है कि आप एज अ कंपनी कितने अमाउंट के शेयर्स इशू कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हमने कह दिया 10 करोड़, कि आप 10 करोड़ के बियॉन्ड यानी 10-10 रुपए के अगर आप शेयर्स इशू करते हैं तो टोटल जो आप जिस वैल्यू के शेयर्स इशू कर सकते हैं दैट इज 10 करोड़ रुपीज। तो ये जो हो गई, ये हमारी क्या हो गई? नॉमिनल कैपिटल। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल भी कहते हैं। अब एक कंपनी कभी भी इकट्ठा ऑब्वियसली इशू नहीं करती। ऐसा नहीं होता है कि सारे एक साथ इशू कर देगी। जैसे जैसे उसको नीड पड़ती है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ये 10 करोड़ जो है मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल था, मैंने 1 करोड़ के शेयर्स इशू कर दिए, तो ये क्या हो गया? 1 करोड़ इशूड कैपिटल। ठीक, और बाकी का बचा हुआ 9 करोड़ क्या हो गया? अनइशूड। ठीक, ये हो गया अनइशूड कैपिटल। अब इशूड जरूरी तो है नहीं कि हमने जितना इशू किया उतना का उतना पूरा का पूरा पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया। इशूड कैपिटल का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल पब्लिक ने 90 लाख के मेरे शो सब्सक्राइब कर लिए, बाकी के हो सकता है अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन मनी नहीं आया, सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ उन शेयर्स का। तो ये जो 90 लाख है ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, मान लेते हैं 90 लाख का जो कैपिटल है सब्सक्राइब्ड है, 100 रुपए के हिसाब से मैंने शेयर्स इश्यू किए थे, यानी एक शेयर 100 रुपए का था। जरूरी नहीं होती कि कंपनी पूरा का पूरा 100 रुपए एक बार में आपसे मांग ले। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कई बार कंपनी कहती है कि आप 90 रुपीज पे कर दीजिए, 10 रुपए वो अपने पास रिजर्व में रख लेती है कि अगर लिक्विडेशन होगा कल को तो हम वो 10 रुपए तब मांग लेंगे। तो वो जो 10 रुपए का अमाउंट है जो कंपनी ने रिजर्व कर दिया कि आपसे वाइंड अप के टाइम पे या लिक्विडेशन के टाइम पे मांगेंगे, दैट 10 रुपीज इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। तो होपफुली ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि ये चारों पॉइंट क्या है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है यहां पे, जस्ट अ सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड अगेंस्ट इट्स नेम। ऑड वन आउट एक तरीके से आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। चलिए बताने की कोशिश करेंगे यहां पे। आपको 4 ऑर्गेनाइजेशंस देखे रखी हैं, दैट इज आसियान, IMF, WTO एंड SARC। ओके, सो श्वेता इज सेइंग ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को। ओके, चलो आंसर देखने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। क्यों ऑप्शन नंबर ए? देखिए यहां पे अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, आसियान देखे रखा हुआ है। आसियान क्या होता है? दिस इज क्या, यही फुल फॉर्म है आसियान का? साउथ ईस्ट एशिया।
ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कोऑपरेशन अमंग ऑल एशियन कंट्रीज, जो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अगर आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन ही साउथ ईस्ट एशिया के लिए बनी है, तो वो कोऑपरेशन सारी एशियन कंट्रीज के बीच में कैसे कर सकती है? ऑब्वियसली इट्स इनकरेक्ट, तो आपको नॉट मैच्ड करेक्टली बताना था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी विजय, तो ये बनी थी साउथ ईस्ट एशिया के लिए। होपफुली समझ आया होगा जिनका जिनका भी गलत हुआ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। सी बहुत सारे लोग आंसर कर रहे थे, क्या लिखा है, WTO अलाउ नहीं करता क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस अलाउ नहीं करता है, WTO का काम ही है ट्रेड प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ट्रेड प्रमोट करना काम होता है WTO के लिए, अलाउ नहीं करता है यहाँ पे WTO रिस्ट्रिक्शंस लगाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को। इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, अब आपको यहां पे तीन चीजें दे करके रखी हुई हैं, स्केटर डायग्राम, पियर्सन मेथड, स्पियर्सन मेथड, आपको मैच करने की कोशिश करना है। स्केटर डायग्राम क्या होता है, पियर्सन क्या है, एंड स्पियरमैन मेथड क्या है। चलिए यहां पे बताने की कोशिश करिए। हां जी विजय, चलो क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। स्केटर्ड डायग्राम में क्या होता है, ऑप्शन से मैच करिए। पियर्सन मेथड में क्या होता है, एंड स्पीयरमैन मेथड में क्या होता है। चलो देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। तो इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, जो स्केटर्ड डायग्राम है हमारा, दैट इज अ ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफ के बेसिस के ऊपर होता है। अगर इस तरीके से हम बोले तो ऐसे 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 करके स्केटर्ड डायग्राम जो है वो फॉर्म किया जाता है, जो डायग्रामेटिकल मेथड होता है। पियर्सन मेथड की अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन होती है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, कैलकुलेशन होती है, तो ये जो है वो एक्चुअल फिगर्स के ऊपर बेस्ड होता है। एंड स्पीयरमैन ने रैंक कोरिलेशन दिया था, तो ये रैंकिंग के ऊपर बेस्ड होता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। गुड आफ्टरनून प्राची। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे हम। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का के ऊपर इंटरनेट का क्या इफेक्ट हुआ है, ये आपको बताना है। बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करने की कोशिश करिए। It is embedded by the internet. It is encouraged by the internet. Internet magnifies the moral issues of this marketing technique. Yeah, internet has made it obsolete. Word of mouth क्या होता है marketing का? मैंने कोई product लिया, मैं उसकी तारीफ करी, आपने भी वो product खरीद लिया, तो हो गई marketing यहाँ पे उस particular product की। कौन सी marketing? वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इनकरेज हो रही है इंटरनेट के द्वारा, अगर हम देखने की कोशिश करें, ठीक है, मॉरल इश्यूज
बोल रहे हैं कि मैग्निफाई हो रहे, देखिए जब भी आप नेगेटिव कोई चीज बोलने की कोशिश करेंगे किसी भी चीज के बारे में कि मॉरल इश्यूज हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं है कि आपने सुना है या आपने देखा है और आपने आंसर मार्क कर दिया, नहीं, जब तक कि उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर वो चीज बेस्ड नहीं है, आप कभी उसको क्लेम करने की कोशिश नहीं करेंगे एग्जामिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो एनकरेज हुई है इंटरनेट के द्वारा। क्या होता है, क्या आप कभी भी Amazon, Flipkart कहीं से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? बिल्कुल करता है, हर कोई करता है। क्या आप रिव्यूज पढ़ते हैं उसके ऊपर, नीचे जो लिख के रखे हुए थे, रेटिंग्स देखते हैं क्या आप उसकी, क्या है वो? लोग ही तो कह रहे हैं कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया था, इसके साथ ये हो गया, या दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्या ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हो रही है? हम उनके मुंह से सुन रहे हैं कि प्रोडक्ट उनका कैसा था और हम भी वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। आई बिलीव एवरी सेकेंड यूजर आजकल जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम लोग बिल्कुल देखते हैं कि रिव्यूज वगैरह क्या देख के रखे हुए हैं या लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटरनेट के द्वारा वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इनकरेज हुई है। नेक्स्ट आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन जो है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। सकते हैं बट मार्केटिंग का मतलब विजय सिर्फ ये नहीं होता कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना, मार्केटिंग दोनों तरीके से होती है, नेगेटिव मार्केटिंग भी होती है। कई बार मूवीज का नहीं देखा कि जो है वो कर देते हैं, कंट्रोवर्सी कर देते हैं और उनकी मूवी हिट होती है, तो वो नेगेटिव चल रही है मार्केटिंग उनकी। तो मार्केटिंग का मतलब जरूरी नहीं होता है कि हमेशा पॉजिटिविटी ही हो, नेगेटिव चीजों से भी मार्केटिंग होती है हमारी। हाँ जी बिल्कुल, चलिए आंसर करिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद मैनेजर हैविंग अ मार्केटिंग ओरिएंटेशन? इन्वेंट्री लेवल सेट करेगा वो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, कस्टमर रिलेशन फोकस करेगा एडवर्टाइजमेंट पे, प्रोडक्ट फीचर्स पे एंड प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, या पैकेजिंग डिसाइड करेगा वो कंज्यूमर के हिसाब से। चलो कंसिस्टेंट नहीं है, बहुत ही छोटा सा कीवर्ड है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? कस्टमर्स के लिए करना, कोई भी चीज आप कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए करना, उसको बोलते हैं मार्केटिंग करना। एक ऐसा मैनेजर, एक ऐसी कंपनी जो मार्केटिंग को फोकस कर रही है, इसका मतलब जैसा कस्टमर को किंग बना दिया, कस्टमर जैसा चाहेगा वैसा हम करेंगे। ये सारी स्टेटमेंट्स कस्टमर के बारे में बात कर रही है। खाली एक ही स्टेटमेंट है जो कस्टमर के बारे में बात नहीं कर रही है। कौन सी स्टेटमेंट है? ऑप्शन नंबर सी, फोकस एडवर्टाइजिंग के ऊपर रखेंगे, प्रोडक्ट के फीचर पे रखेंगे एंड कैसे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंट नहीं है मार्केटिंग ओरिएंटेशन। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर कन्वीनियंस। तो मार्केटिंग ध्यान में आते ही वर्ड आ जाना चाहिए कस्टमर। कस्टमर को क्या बनाते हैं? किंग बनाते हैं हम यहां पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। मार्केटिंग से ही रिलेटेड है। लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इन परचेज एंड लिटिल सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंस कम्स इन विच टाइप ऑफ बाइंग बिहेवियर? आपको यहाँ पे चार बाइंग बिहेवियर्स देखे रखे हैं, एक कॉम्प्लेक्स, एक डिसोनेंस रिड्यूसिंग, एक हैबिचुअल और एक वेराइटी सीकिंग। तो ये जो डेफिनेशन है क्वेश्चन में, किस बिहेवियर से मैच कर रही है सबसे ज्यादा?
सो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन में दो तीन की पॉइंटर्स दे के रखे हैं। एक पहला की पॉइंट जो आपको दे के रखा है वो है कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है, मतलब हम ज्यादा सोच समझ नहीं रहे परचेज करने से पहले किसी भी चीज को। दूसरा लिखा है लिटिल सिग्निफिकेंस टू ब्रांड डिफरेंस, मतलब किसी भी ब्रांड का खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, कोई फर्क नहीं है ज्यादा हमको। दो की फीचर्स दे के रखे, यानी ज्यादा एक तो सोच नहीं रहे परचेज करने से पहले, दूसरा ना ब्रांड से कोई मतलब नहीं है। तो हैबिचुअल माइंड जो कस्टमर्स है, जो हैबिचुअल, हैबिचुअल का मतलब होता है एक ही चीज को जब हम बार बार खरीदते हैं, वहां पर तो हम किसी भी ब्रांड का नहीं जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है यार, तब तो हम सोच समझ के बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, यार कॉम्प्लेक्स कुछ कस्टमर होते हैं ना, कभी हमारे घर में होते हैं, मम्मी मम्मी के साथ या किसी के साथ कभी शॉपिंग पे जाओ ना, तब समझ में आएगा कितना कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है उनका। इतना ब्रांड्स देखेंगे, इतने सारी वैरायटीज देखेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा करके लेके आएंगे, दिल नेवर डू दैट। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर भी आंसर नहीं हो सकता भाई, दो तो आंसर यहाँ से हमारे सीधे सीधे गायब हो गए, ये तो दो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, सॉरी ओके, सो यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो हैबिचुअल बाइंग नहीं था, कॉम्प्लेक्स बाइंग नहीं था। डिसोनेंस रिड्यूसिंग क्या होता है, डिसोनेंस क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट, मैं गई मार्केट में, मैंने ये प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं मुझे, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, वो दो प्रोडक्ट जो मुझे पसंद आ रहे हैं, मैंने उसमें से ये वाला प्रोडक्ट परचेज करके मिल गई, घर आके ऐसा लगता है कि यार गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, वो वाला ले लेना चाहिए था, उसको बोलते हैं डिसोनेंस होना। अब जब भी इंसान को डिसोनेंस हो रहा है, इसका मतलब उसने दो प्रोडक्ट्स लिए थे, उसने सोचा समझा था, अगर उसने सोचा समझा था तो यहाँ पे लो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुआ होगा इसका मतलब, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, तो तीन ऑप्शन कैंसिल हो गए। लास्ट वाला देखो क्या लिखा है, वैरायटी सीकिंग, जो कस्टमर वैरायटी बोलते हैं, आज ये खरीद लिया, कल वो ट्राई मारेंगे, तीसरा वो ट्राई मारेंगे, ज्यादा सोचते समझते नहीं है, ब्रांड से मतलब नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, होपफुली समझ आया होगा कि बाकी सारे करेक्ट आंसर्स क्यों नहीं थे। SHG से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा कि वो करेक्ट क्यों था, बाकी इनकरेक्ट क्यों थे। SHG क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं ना एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, पैसा इकट्ठा करते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव बताना है। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड डेली इसी चैनल के ऊपर 1 PM पे हम लोग मिलते हैं, UGC NET कॉमर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए एंड टॉपिक्स। क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास में एज ऑप्शन नंबर डी एंड सी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो गई है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या लिखा है। पहला ऑप्शन लिखा है आपके पास में, टू बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द बैंकर एंड द रूरल पीपल। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, एनकरेज करने की कोशिश करते हैं, आपस में ट्रस्ट बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर टू की बात करें, एनकरेज करना बैंकिंग एक्टिविटीज को कि हाँ भाई बिल्कुल आप लीजिए लोन एक दूसरे से उधार, और मतलब लोन एक तरीके से आप कह सकते हैं लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी थ्री के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री में लिखा है, ऑप्शन नंबर टू एंड थ्री को दोनों को देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि कुछ हद तक दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर थ्री में देखिए क्या लिखा है, टू मीट द नीड्स ऑफ पुअर, बिल्कुल सही है क्योंकि छोटे छोटे लोगों के ग्रुप्स होते हैं, बाय कंबाइनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कभी भी ले लिया कभी भी वापस कर दिया, सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस,
इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का, यानी यहाँ पे हम फॉर्मल नहीं बल्कि इनफॉर्मल जाते हैं। इनफॉर्मल का मतलब होगी जब चार छह लोगों का ग्रुप बन गया, डिपेंडिंग अपॉन कि हम रूरल में बना रहे हैं या हम अर्बन में बना रहे हैं, ग्रुप बनाते हैं, आपस में लोन्स वगैरह देने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है, तो इनफॉर्मली लोन्स वगैरह देने की बात होती है। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो यहां पे लिखा हुआ है कि जो पॉपुलेशन जो है फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूजुअली फाइंड डिफिकल्ट टू कवर, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही है कि फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिफिकल्ट पाए जाते हैं कवर अप करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थ्रिफ्ट एज वेल एज क्रेडिट साइड इन अ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ पे जो ये थ्रिफ्ट एंड द क्रेडिट साइड्स लेके रखा है, इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बैंक ऑफ अमेरिका सिचुएटेड एट न्यूयॉर्क इज ओपनिंग एन अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी बाहर का एक बैंक है जो कि इंडिया में आके अकाउंट खोल रहा है किसी इंडियन बैंक में, इसको आप क्या कहेंगे? इसमें हम सारे अकाउंट्स को कवर अप भी करेंगे कि नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है और लोरो अकाउंट क्या है। चलो, दिस इज नोन एज वॉस्ट्रो अकाउंट। अब देखो, वॉस्ट्रो अकाउंट अभी अभी हमने देखा, तो वॉस्ट्रो अकाउंट क्या हो गया, एक ऐसा अकाउंट किसी भी करेस्पॉन्डिंग बैंक में ऑन बिहाफ ऑफ अनदर अकाउंट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्पेनिश लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी बाहर की कंपनी अप्रोच कर रही है यूएस बैंक को कि भाई मेरे फंड्स मैनेज कर दो यहाँ पे, तो ये जो अकाउंट होगा ये वॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा, यानी बाहर की जो कंट्री की कंपनी है वो यहाँ पे आके अकाउंट अपना ओपन कर ले। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या हो गया, रिफर्स टू अकाउंट दैट बैंक होल्ड कर रहा है। कौन होल्ड कर रहा है? बैंक होल्ड कर रहा है फॉरेन करेंसी में इन अनदर बैंक, यानी कोई बैंक दूसरे बैंक में जाकर के उसी की करेंसी में, ठीक है, फॉरेन करेंसी में एक अकाउंट होल्ड कर रहा है, ये टर्म क्या कहलाएगा हमारा? नॉस्ट्रो, यानी ये अकाउंट हो जाएगा नॉस्ट्रो, यानी आर्स फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है यहाँ पे। लोरो अकाउंट की अगर हम बात करें तो कोई भी डोमेस्टिक बैंक जैसे SBI की अगर हम बात करें, पॉजिस करता है एक अकाउंट फॉरेन बैंक के अंदर क्लियर करने के लिए कोई भी थर्ड पार्टी का ट्रांजैक्शन वगैरह यहाँ पे, तो उस अकाउंट को हम कहते हैं लोरो अकाउंट। चेक से रिलेटेड आपके पास में एक क्वेश्चन है। दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस अगर आप चेक पे बनाते हैं जिसको हम क्रॉसिंग कहते हैं, और एक बैंक का नेम आपने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया इन दो लाइंस के बीच में, तो आप इसको आप क्या कहेंगे? क्या आप इसको जनरल क्रॉसिंग कहेंगे, स्पेशल क्रॉसिंग कहेंगे, डबल क्रॉसिंग कहेंगे या फिर बैंक क्रॉसिंग कहेंगे? चलिए, दी करेक्ट आंसर, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है, दैट इज स्पेशल क्रॉसिंग। सो ये जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरा चेक है तो यहाँ पे अगर दो मैं ट्रांसवर्स लाइन खींचूं और यहाँ पे मैं बैंक का नाम यहाँ पे लिख दूं, तो ये इसको कहेंगे स्पेशल क्रॉसिंग होना। चलिए नेक्स्ट आएंगे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इज डैश,
ओके सो आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर्स एज ऑप्शन नंबर ए। चलो देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक जब आप डेट लेते हैं, डेट को शामिल करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस होगा एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये ऊपर जाने लग जाएगा। तो इसका कर्व कुछ इस तरीके का, जिसको हम सॉसर शेप कर्व भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट नहीं रह रहा ना, कर्व भी देखो हमारा ऐसा बनता है, यानी कांस्टेंट होता तो मतलब ऐसे जा रहा होता ना, तभी तुम बोलते कांस्टेंट हो रहा है, यानी एक ही जैसा रह रहा है। ये तो नीचे आ रहा है एंड एक पॉइंट के बाद ऊपर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। बी में देखो राइजेस कांस्टेंटली विद इंक्रीज इन, राइजेस कांस्टेंटली का मतलब हो गया ऐसे जाना, मतलब ऊपर ही जाता चला जा रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ पे डिक्रीजेस अप टू अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है यहां से देखो यहां तक आते आते डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजेस अप टू अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर मॉडरेट इंक्रीज इन एवरेज, यहां पे देखिए अगर आप, सॉरी ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, मॉडरेट चेंज हो रहा है। उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, राइज इज बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, इस पॉइंट के बाद वह वैसे ऊपर बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो मेरे कर्व को सूट कर रहा है स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी रिमेन्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, वॉल्टर का मॉडल। जो वॉल्टर का मॉडल है डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर अज्यूम करता है दैट, इनके अजम्पशंस आपको कुछ देके रखी हैं, आपको बताना है क्या अज्यूम कर रहा है वॉल्टर का मॉडल। सारी यूनिट्स एक एक दिन उठा के बैठिए और उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए, डेली एक यूनिट रिवाइज करिए, और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आपके एग्जामिनेशन में पुट अप होता है। चलिए देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी में जो वॉल्टर का मॉडल है वो क्या कहता है हमारे पास में। ऑप्शन नंबर डी रिमेन्स द करेक्ट आंसर। देखो ए में क्या लिखा है, फर्म ऑफर्स एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर एट अ गिवन प्राइस पर शेयर, ऐसा कोई अजम्पशन था क्या वॉल्टर का? ऐसे तो कोई अजम्पशन नहीं था। ऑप्शन नंबर बी में फर्म की लाइफ फाइनाइट नहीं बोली थी, है ना, इनफाइनाइट लाइफ पे हम लोग बोल रहे थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरिएबल, जबकि हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या है, कॉन्स्टेंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे लिए। डी में क्या लिखा है, इक्वल टू करंट असेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग बैंक बोरोइंग्स आपका। चलो नेक्स्ट आ जाएंगे, ठीक है सोल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं एक बार ये वाला पॉइंट। हम लोग क्या लिखा हुआ है, वॉल्टर का मॉडल क्या अज्यूम करता है कि जो करंट असेट्स है हमारे, उसमें अगर आप करंट लाइबिलिटीज को ऐड कर दीजिए, जितना भी आपने बैंक से बोरिंग लिखा है उसको हटा दीजिए, तो वॉल्टर का मॉडल शो करता है रेलिवेंस डिविडेंड पॉलिसी का ऑन बियरिंग ऑन वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी इसके अलावा जो वैल्यू आती है आप डिविडेंड देते हैं या नहीं देते हैं इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, किस पे, वैल्यू ऑफ द शेयर्स के ऊपर। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी बताना है मुझे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। प्रॉफिट मार्जिन है आपके पास में, असेट टर्नओवर रेशियो है आपके पास में, असेट टर्नओवर है सॉरी, इक्विटी मल्टीप्लायर है आपके पास में, एंड आपको यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करके बताना है। चलिए रिटर्न ऑन इक्विटी बताइए।
प्रणाम संगीता जी। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्रॉफिट मार्जिन, असेट टर्नओवर, इक्विटी मल्टीप्लायर, तीनों चीज़ें आपके पास में हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कर देंगे। हाँ जी संगीता, दिस इज यूजीसी नेट कॉमर्स क्लास। ओके सो आई स्टार्टेड गेटिंग द करेक्ट आंसर्स। चलो क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला बहुत इजी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मेरे ख्याल से ए ही आ रहा है मेरे पास में करेक्ट आंसर, कुछ नहीं होता। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि कितना है हमारे पास में 4.5, एसेट टर्नओवर कितना है 2.2, इक्विटी मल्टीप्लायर कितना है हमारे पास में 2.7, कितना आ गया 26.73, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट ऑफ अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है हमारे पास में, फॉल्स स्टेटमेंट यहां पे हमको बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशंस नाउ लेस हायरार्किकल इन नेचर, हायरार्की कम है इसका मतलब। ऑर्गेनाइजेशंस जनरली फोकस करती हैं डोमेस्टिक इश्यूज पे रादर देन इंटरनेशनल मैटर्स। ऑर्गेनाइजेशंस फ्लेक्सिबल नॉर्म्स अडॉप्ट करती हैं अब, या फिर ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू अ राफ्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज प्रोग्राम्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एक छोटा सा वर्ड है जो आपको पकड़ना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, एक छोटा सा वर्ड जो आपको पकड़ना है यहाँ पे और आपका आंसर पहुंच जाएगा। वेरी गुड संगीता। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना था सबसे पहले ही, तो हमें गलत स्टेटमेंट यहाँ पे ढूंढना था। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या हम लोग आजकल डोमेस्टिक इश्यूज पे फोकस करते हैं, इंटरनेशनल पे नहीं करते? हम तो आजकल ग्लोबल जाने की बात कर रहे हैं, हम तो इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं, हर कोई कंपनी बात कर रही है आजकल ग्लोबलाइजेशन की, तो ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, बेसिक था बहुत। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या इन्वॉल्व करती है इसके अंदर से? वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड विजय। सॉरी नॉट प्रियंका, प्रिया भ्रता। आई एम रियली सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग योर नेम इनकरेक्टली। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व करेगा इनमें से क्या, फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट मार्केटिंग रिलेटेड प्रोग्राम, सेटिंग एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज, लिंकिंग ह्यूमन रिसोर्सेज विद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, या फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग। ओके सो स्टार्टेड गेटिंग द करेक्ट आंसर। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस पे बेस करता है भाई? ह्यूमन रिसोर्स है ऑब्वियसली, ह्यूमन रिसोर्स को लिंक करेगा किससे भाई? स्ट्रेटेजिक है तो स्ट्रेटेजी से, कौन सी स्ट्रेटेजी? जो हम कंपनी की बनाते हैं स्ट्रेटेजी, उसको ह्यूमन रिसोर्सेज से लिंक करने की हम कोशिश करते हैं ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की भी और हमारी कंपनी की ओवरऑल। अब देखो यहाँ पे आपको एक सिचुएशन मैंने बनाई है आपके लिए। सपोज करिए गवर्नमेंट ने कोई भी प्रोहिबिशन लगा दिया सप्लाई पे, परचेज पे, किसी भी चीज पे। अज्यूम करिए कुछ सप्लायर्स हैं, कुछ यूजर्स हैं जो लॉ को इग्नोर करते हैं, इनमें से कौन सा आकर नहीं करेगा? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और मुझे आंसर करके बताएंगे। आजकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कॉमन हो गए एनडीए के एग्जामिनेशन में।
हाँ जी विजय, बिल्कुल। आई एम प्लानिंग नेक्स्ट वीक आपके लिए मैराथन प्लान कर रही हूँ मैं। अभी आप लोग अगर थोड़ा सा मुझे बता दें कि आपको यूनिट वाइज सूटेबल है मैराथन या एक साथ सूटेबल है मैराथन। जैसे मैंने एक बारी आपको ले ली थी आई बिलीव लास्ट एग्जामिनेशन में 9-10 आवर्स की। चलो क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर गवर्नमेंट कभी भी रिस्ट्रिक्शन लगाती है प्राइस पे, सप्लाई पे, किसी भी चीज़ पे, तो उसका इफेक्ट बहुत सारा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि भाई प्राइस ऊपर हो जाए, भाई गवर्नमेंट ने अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी सप्लाई पे तो प्राइस राइज हो गई, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी अगर तो प्राइस हो सकता है भाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ा प्राइस के ऊपर, हो सकता है सेम रही, हो सकता है भाई फॉल हो गई। तीनों चीज़ें पॉसिबल है। क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन में पूछ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई कोई प्राइस नहीं होगी, मतलब कोई प्राइस ही नहीं होगी, ऑप्शन देके रखा है, और मार्केट ही गायब हो जाएगा। यार मार्केट कैसे गायब हो सकता है बताना। ऑप्शन नंबर डी हो गया ना करेक्ट आंसर यहाँ पे। चलो ऑलमोस्ट सब ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया था इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऑगिव कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। डेली 1 PM सेम चैनल सेम टाइम। मंडे टू सैटरडे। आप सोचिए, मुझे आपको तो खाली सुनना था पढ़ना था। मुझे सोचिए, मुझे तो लगातार कंटिन्यूअसली 7-8 घंटे बोलना पड़ा था। MCQs कराते टाइम पे एटलीस्ट जितनी देर आप लोग आंसर करते हैं उतनी देर हम चुप हो सकते हैं, पर जब हम कंटेंट पढ़ाते हैं उस टाइम पर तो बिल्कुल गैप नहीं होता, कंटिन्यूअस बोलना पड़ता है। चलो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऑगिव, ऑगिव क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो चार्ट बनता है। फ्रीक्वेंसी जानते हो ना कि जैसे वन नंबर जो है वो 7 टाइम्स आया मेरे ग्राफ में, टू नंबर जो है वो 8 टाइम्स आया, तो ये होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? CF। जैसे ये हो गया 7, यहाँ पे 7 + 8 यहाँ पे हो गया 15, तो ये जो है इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका जो ग्राफ बनता है उसको हम कहते हैं ऑगिव, ठीक है, उसको कहते हैं ऑगिव। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको बोल रहा है इनकरेक्ट है ऑगिव से रिलेटेड? ऑप्शन नंबर सी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट इंटरवल इज ऑलवेज द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इन लेस देन ऑगिव। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट जो है वो देके रखा हुआ है। मैंने आप लोगों को कई बार ये चीज बोला है, जब ही भी एब्सोल्यूट वर्ड्स हैं आपके क्वेश्चन के अंदर, एब्सोल्यूट वर्ड्स का मतलब हो गया ऑलवेज, नॉट, नेवर, एवरी टाइम, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन में, 99% चांस होता है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने का। तो जब भी ऐसा वर्ड दिख जाए आपको, वहां पे रुक जाइए, वहां पे अपना दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा। हो सकता है 1% चांस कि वो आपको ट्रिक कर दे और वो वहां पे करेक्ट भी हो सकता है, पर 99% चांस वो वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होता है, नॉट करेक्ट होता है, ठीक है। उसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश किया करिए। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन आंसर करेंगे। वॉट इज द वैल्यू ऑफ अर्थमैटिक मीन व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 40, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू 80। बहुत बेसिक क्वेश्चन। हां जी विजय, इनकरेक्ट पूछा था। चलो एक और बहुत की पॉइंट आप लोगों के लिए, कभी भी क्वेश्चन को आधा अधूरा ना पढ़े। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है वो सबसे पहले पता होना चाहिए। ऑप्शंस है 55, 20, 250। इसकी आई बिलीव ओरल कैलकुलेशन हो जाएगी।
दीपिका अवेलेबल है, दूसरी फैकल्टी लेती हैं आई बिलीव हिंदी में, अगर आप क्वेश्चन हिंदी में रहने की बात करें कि क्वेश्चन हिंदी में हो तो आई बिलीव दूसरी फैकल्टी लेती है। मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में रखती हूँ बट जो आपका स्लाइड रहेगा वो मेरा इंग्लिश में रहेगा। चलिए आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास में करेक्ट यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर डी, एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना देके रखा है क्वेश्चन में 40, डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कितना देके रखा है 80, तो 40/80 करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, सीधा निकल के आ जाएगा ऑप्शन हमारे पास में, दैट इज 50। वेरी बेसिक क्वेश्चन। चलो आजकल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉमर्स में आने लग गया है, लास्ट में दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे देते हैं आपको टाइम किल करने के लिए। तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉर्ट ऑफ है आपके पास में एंड उससे रिलेटेड आपके पास में एक क्वेश्चन जो है वो देके रखा है। चलो करेक्ट आंसर आ रहे हैं मेरे पास में यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्या पूछा है यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें, पैसेज पीछे है तो मिस्टर कुमार जो है एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, जर्मनी से आए हैं, कंप्लीट किया है उन्होंने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम, ज्वाइन किया अपने फादर का ज्वेलरी बिजनेस। यहाँ पे वो बोल रहे थे आकर के, यानी कम्युनिकेट कर रहे थे यहाँ पे आकर के, एंड जो डिजाइनिंग एंड वर्किंग टीम थी उनके साथ में इंग्लिश में, जो वर्कर्स थे भाई वो समझ नहीं पा रहे थे, उनको खाली दो लैंग्वेजेस आती थी, एक थी हिंदी जो उनको आती थी और दूसरी मराठी उनको आती। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का इशू साफ साफ दिख रहा है, मिस कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, प्रॉब्लम्स होने लग गई, इनको नहीं समझ में आ रहा था, इनको रीडिजाइन करने की जरूरत पड़ी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस हो रही है फॉर्म के अंदर, वो है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम। सेम पैसेज, अगला क्वेश्चन, कौन सा बैरियर हो गया ये जो इस पैसेज में रेफर किया जा रहा है। तो कौन सा बैरियर यहाँ पे हो रहा है भाई, यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर क्या कहलाता है, सिमेंटिक बैरियर कहलाता है। पेपर वन में भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, सेम चीज यहाँ पे आपकी अप्लाई कर जाएगी। सेम पैसेज क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ पे आपको बताना है एग्जाम्पल सिमेंटिक बैरियर के।
सो कौन से बैरियर्स हैं यहाँ पे? ओके सो सिमेंटिक बैरियर में भाई लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बैरियर तो सारे इंक्लूड हो जाएंगे भाई। हो सकता है बैड एक्सप्रेशन हो, फॉल्टी एक्सप्रेशन हो रहा हो, क्लियरिफाइड अजम्पशन नहीं है, हम कुछ बोल रहे हैं सामने वाला कुछ और समझ रहे हैं, सारे आपके सिमेंटिक बैरियर का पार्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे, सेम अगेन पैसेज सेम है। अगला क्वेश्चन है सेम पैसेज का, इनमें से कौन सा मेजर लिया जा सकता है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए? कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड, प्रॉपर फीडबैक, फॉलो अप कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड, प्रॉपर फीडबैक या फिर फॉलो अप कम्युनिकेशन। चलिए तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सारे ही यहाँ पे करेक्ट है भाई। कम्युनिकेशन आप कैसे इम्प्रूव कर देंगे? प्रॉपर आप फीडबैक लेने की कोशिश करिए, नीड के हिसाब से कम्युनिकेशन करिए और फॉलो अप लीजिए ताकि पता तो चले उनको समझ आया था कि नहीं आया था। श्रिलनेस ऑफ वॉइस एंड डिसलेक्सिया आर अ पार्ट ऑफ डैश बैरियर। डिसलेक्सिया होपफुली पता होगा, तारे जमीन पर देखी होगी सबने। श्रिलनेस ऑफ वॉइस भाई, आवाज़ में अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम हो रही है या डिसलेक्सिया जैसे आपको वर्ड्स में समझने में दिक्कत हो रही है, डी को आप भी पढ़ रहे हैं इस तरीके से, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये कौन सा बैरियर हो जाता है? दिस इज योर सिमेंटिक बैरियर। ओके होपफुली सेशन अच्छा लगा होगा, इतने ही क्वेश्चंस कवर अप करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज टुमारो अगेन एट द सेम टाइम, दैट इज 1 PM ऑन द सेम चैनल, दैट इज UGC नेट अड्डा। सो दिस इज मी बुशरा शाजली, योर मेंटर फॉर UGC नेट कॉमर्स, साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, टेक केयर एवरीवन।
एवरीवन, दिस इज शांति एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट अड्डा। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर यूजीसी नेट कॉमर्स से रिलेटेड हम कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो डेली 1 बजे हम यहां पे मिलते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज यूजीसी नेट कॉमर्स अपकमिंग एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ज्वाइन कर जाइए आज के इस सेशन के अंदर। आई होप आपको वीडियो एंड ऑडियो सारी चीजें जो है वो क्लियर आ रही होंगी। आज हम कुछ और बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे along with some concepts। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। जल्दी से ज्वाइन कर जाइए आप लोग। तो कुछ क्वेश्चंस जो थे वो हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस हमने कल के सेशन के अंदर जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आज उसी के आगे से जो है वो हम हमारा सेशन जो है वो बिगिन करने की कोशिश करेंगे। चलिए ज्वाइन कर जाइए आप लोग। तो वॉल्टर मॉडल एंड बिजनेस मैनेजमेंट, अलग 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 सेशन, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हम लोग ने क्वेश्चंस जो है वो कल के सेशन के अंदर डिस्कस करने की कोशिश किया था अलोंग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज क्वेश्चंस। तो आज के सेशन के लिए जो पहला क्वेश्चन रहेगा, वेरी गुड आफ्टरनून विनीत, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन हम लोग। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हमें दे के रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज आर, जो कि एक ऑप्टिकल सर्जन है, एम्प्लॉय कर रहे हैं एस को अपने अंडर एज द असिस्टेंट फॉर द टर्म ऑफ 3 इयर्स। 3 सालों के लिए इन्होंने अपने अंदर एक असिस्टेंट जो है उनको हायर किया है और यहाँ पे अग्री कर रहा है, ये जो असिस्टेंट है एस, ये अग्री कर रहे हैं कि ये जो 3 सालों की ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के अंदर ये वाला प्रोफेशन वो परफॉर्म नहीं करेंगे। यानी कहीं बाहर, अपार्ट फ्रॉम इनके असिस्टेंट होते हुए, ये कहीं बाहर ये वाला जो प्रोफेशन है इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने यहाँ पे फॉर्म किया है, क्या ये वैलिड है, क्या ये वॉइड है, क्या ये वॉइडेबल है, या ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए मेरे को यहाँ पे बताने की कोशिश करिए ये किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रहेगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आप मुझे बता दीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस तरीके का रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज वैलिड इन नेचर। ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पे अगर कभी भी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन किसी को एम्प्लॉय कर रहा है तो वो एक्सक्लूसिव राइट्स, यानी कि आपके जो भी स्पेशलिटी है, जो भी एक्सक्लूसिव राइट्स है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आई एम टीचिंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, तो एक्सक्लूसिव मैंने राइट दिया है उनको मेरे को एम्प्लॉय करने के लिए। यानी मैं अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हूँ सेम पर्टिकुलर सेशंस का, यानी मैं इसके अलावा कहीं और परफॉर्म नहीं कर सकती हूँ यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है मेरे और अड्डा 247 के बीच में। सो दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे 3 और टर्म्स हमको देके रखे हुए हैं। एक देके रखा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा देके रखा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, और चौथा देके रखा है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए देखने की कोशिश करेंगे कि ये चारों कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो ये हमने हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून श्वेता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ने कवर किया है जितने भी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं, जो टर्म्स होते हैं ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, कि 2 पार्टीज होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, इस तरीके की चीजें, तो अगर ये सारी चीजें कवर करी हुई हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि लीगल तो है, यानी लीगल है, ऐसा नहीं है कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन से हो जाते हैं हमारे, जैसे किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया, या ड्रग्स में डील करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो चीजें गवर्नमेंट मना कर रही है वो इलीगल हो गया। मान लेते हैं कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है जो गवर्नमेंट मना नहीं कर रही है, स्टिल आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। जैसे
मैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मैं आपको फोर्स कर रही हूँ उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, जैसे फोर्सफुल मैरिज हो गई या कोई भी ऐसी चीज जिसमें मैंने आपको फोर्स कर दिया है या इस तरीके की चीजें, तो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो जाएंगे, आपके वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि हैं तो वैलिड, इलीगल भी नहीं है, वॉइड भी नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन एक पार्टी जिसका कंसेंट आपने उससे पूछा नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए हैं या फोर्सफुली उससे एंटर करवा दिया है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो पार्टी अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार दे सकती है। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक पार्टी के ऊपर होते हैं कि वो चाहे तो इसको वॉइड करार दे दे, इन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आएंगे यूटीआई। UTI का मुझे फुल फॉर्म भी आप बताएंगे, UTI किस ईयर में आया वो भी आप मुझे बताएंगे, और यहाँ पे आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा मेन फंक्शन है UTI का। चार ऑप्शंस आपको दे के रखे हैं, चलिए रीड इट आउट केयरफुली एंड ट्राई टू आंसर। एब्सोल्युटली विजय, चलिए इसको रीड करने की कोशिश करिए क्वेश्चन को। यस, UTI इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वेरी गुड आफ्टरनून AG गेमर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, UTI का मेन फंक्शन। तो अगर मैं ऑप्शंस की यहां पे बात करूं तो ऑप्शंस क्या है, मोबिलाइज करना सेविंग्स कम्युनिटी की थ्रू दी सेल ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट्स को सेल करके जो लोगों की यानी कम्युनिटी की सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करना, पहला ऑप्शन आपका। दूसरा लिखा है गारंटी प्रोवाइड करना क्रेडिट परचेज की कैपिटल गुड्स से रिलेटेड जो कि इंपोर्ट करे जा रहे हैं एज वेल एज परचेज करे जा रहे हैं विद इन दी कंट्री। तीसरा दे के रखा है प्लान करना प्रमोट करना डेवलप करना की इंडस्ट्रीज को, यानी मेन इंडस्ट्रीज को, एंड डाइवर्सिफाई करना इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। तो यहां पे आपको मेन फंक्शन बताना है। यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये क्या करते हैं, हमारी और आपकी जैसी छोटी 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 हमारी जो सेविंग्स है इनको मोबिलाइज करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं एंड देन इसको इन्वेस्ट करते हैं और हमें उसके बदले कहीं ना कहीं डिविडेंड जैसी चीजें जो है वो मिलती हैं। इसको कहते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का फंक्शन। सेकेंड वाले की अगर हम बात करें, क्रेडिट परचेज वगैरह करना, ये किसका फंक्शन है, IFCI का। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुझे किसी ने ईयर बताया, यस विनीत ने बताया है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ईयर, दैट इज 1964। IFCI का मुझे ईयर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, प्लानिंग करना प्रमोशन करना डेवलपमेंट करना, देखो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड यहां पे बात हो रही है, किसका फंक्शन है, IDBI का। बहुत सारे आंसर्स आए थे मेरे पास ऑप्शन नंबर डी से रिलेटेड, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। बहुत ही बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बेसिक बेसिक प्राइमरी फंक्शंस आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तीनों ही बहुत बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन थर्ड है आज के सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो यहां पे बताएंगे मुझे इनमें से कौन सा कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। नॉट जैसे वर्ड्स का एग्जामिनेशन में खास ख्याल रखना है, कहीं ऐसा ना हो आप कैपिटल रिसिप्ट आंसर करने लग जाए।
चलिए बताएंगे जल्दी से मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड आउट करके, रीड आउट केयरफुली क्वेश्चन को अगर मैं देखने की कोशिश करूं। ओके, सो मेरे पास करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन देखेंगे। नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट होती क्या है? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब वो पर्टिकुलर रिसीविंग्स मेरी जिसके वजह से मेरे कैपिटल असेट्स के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा हो। जैसे मैं अपना कोई फिक्स्ड असेट सेल कर दूंगी तो मेरी बैलेंस शीट पे इफेक्ट आएगा। इस तरीके के ट्रांजैक्शन कैपिटल ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। पहले वाले ऑप्शन की बात करें, सलामी, सलामी फॉर अ सेटलमेंट ऑफ टेनेसी। सलामी क्या होता है? अगर आपको किसी का लैंड परचेज करना है तो आप एक लमसम अमाउंट दे देते हैं ना एडवांस के तरीके से कि भाई ये ले लो, सलामी हमने दे दी है, अब ये लैंड हम ले लेंगे आपसे इस तरीके से। तो सलामी होता है, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है यहाँ पे और कहीं ना कहीं उस पर्सन के असेट्स का आप डील कर रहे हैं। तो सलामी अगेन एक क्या है? एक कैपिटल रिसिप्ट है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, इंश्योरेंस क्लेम जो आपको रिसीव हो रहा है, मशीनरी लॉस हो रही है। मशीनरी क्या है हमारे लिए? एक कैपिटल असेट है। तो मशीनरी आपकी खो गई, आपको कुछ बदल मिल रहा है उसके बदले में, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। थर्ड की अगर हम बात करें, क्या लिखा है? लमसम अमाउंट मिल रहा है सेल ऑफ शेयर्स के ऊपर। शेयर्स आपने बेचे हैं कुछ और लमसम अमाउंट आपको मिल रहा है यहाँ पे। देखो शेयर्स का जब ट्रांजैक्शन करोगे तो क्या बैलेंस शीट पे इफेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। उन ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शंस जिनका इफेक्ट आपकी बैलेंस शीट के ऊपर पड़ेगा, वो ट्रांजैक्शन कैपिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर आपके असेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपके असेट्स कम हो रहे हैं विच मीन्स आपको कैपिटल रिसिप्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो क्या लिखा है। गुड्स आप बेच रहे हैं कैश के लिए। देखो गुड्स जब हम बेचते हैं, खरीदते हैं, इसका इफेक्ट कभी बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका इफेक्ट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। कौन सा रिसिप्ट है? ये है एक रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है या रेवेन्यू ट्रांजेक्शन वो होते हैं जो हमारे पीएनएल के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, और कैपिटल वाले का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है हमारी बैलेंस शीट के ऊपर। आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा जिसका जिसका भी गलत था आंसर। चलो तो यहाँ पे मैंने जो भी एक्सप्लेन किया वो मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया है। ये नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी बार बार ये ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली नहीं होते। हम रोज अपने असेट्स ना बेच रहे होते ना खरीद रहे होते, सो दीज आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। इनका इफेक्ट बैलेंस शीट पे आता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, शेयर होल्डर्स हो गया, असेट्स हो गया, लोन हो गया, इस तरीके के ट्रांजेक्शन हो गए कैपिटल इन नेचर। और यहाँ पे जो आपके रिकरिंग ट्रांजेक्शन होते हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, वो कैपिटल इन नेचर होते हैं। जैसे रेंटल इनकम, सप्लायर से कोई पैसा आया, कोई कमीशन आई, कोई डिस्काउंट आई। चलो नेक्स्ट आ जाएंगे हम। वेरी गुड आफ्टरनून अंकित। पीडीएफ कहां मिलेगी? जैसे ही मैं, जितने भी क्वेश्चन जिसके अंदर है विजय, ये मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी आई बिलीव कल परसों में, ये वाली पीडीएफ मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो मेरा टेलीग्राम है उस पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जहां पे आप लोग कनेक्टेड है मेरे से। वेरी गुड आफ्टरनून अंशु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इन केस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, नेगेटिव है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो यहां पे रिलेशनशिप कैसी होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोरिलेशन से क्वेश्चन काफी पुटअप होते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, आंसर करने की कोशिश करेंगे। कर्व कैसा होगा यहाँ पे? पेन एंड कॉपी होपफुली आप लोग लेके बैठते होंगे क्लास के टाइम पे, ताकि आप जो भी अगर कोई मैं एमसीक्यू में यहाँ पे आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पुटअप करूँ तो आप उसको सॉल्व कर पाए, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आज शायद एक दो, अगर आज ही आ गया तो ठीक है, अदरवाइज कल के सेशन में तो पक्का रहेगा बिकॉज इस पीडीएफ में है वो। चलिए, वर्टिकल डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग या हॉरिजॉन्टल? चलिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन,
ओके, मेरे पास करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं ऑप्शन नंबर बी. तो यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है हमारे लिए? दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. जैसे अगर मैं दो चीजें ले लूं यहाँ पे, स्ट्रेस और दूसरा ले लूं मैं एग्जाम परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं, ये कौन बताएगा हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. अब जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस आप लोगों का बढ़ता है तो एग्जाम परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी आपकी, नीचे आएगी. तो हम बोलेंगे स्ट्रेस में और एग्जाम परफॉर्मेंस में एक नेगेटिव कोरिलेशन जो है वो है. इसका कर्व अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इस तरीके से ये कर्व आएगा. यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे मैं ले लूंगी स्ट्रेस, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ईपी, दैट इज एग्जाम परफॉर्मेंस. तो ये देखो स्ट्रेस ज्यादा, एग्जाम परफॉर्मेंस कम, स्ट्रेस कम हुआ एग्जाम परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी हमारी. ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव को रिलेशन होना वेरिएबल्स के बीच में. एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं. चलिए नेक्स्ट आएंगे पेटेंट से रिलेटेड. चार ऑप्शंस हैं, इसको अच्छे से पढ़िए एंड आंसर करने की कोशिश करिए. पेटेंट से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है? ठीक है, नॉट करेक्ट ढूंढिएगा. ओके, सो करेक्ट आंसर्स आने लग गए हैं. मुस्कान ने सेइंग ऑप्शन नंबर फोर्थ. चलो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस पढ़ के बताऊँ आपको, तो पेटेंट एक लीगल प्रोटेक्शन है जो कि ग्रांट किया जाता है इन्वेंशन के लिए जो कि न्यू है, नॉन ऑब्वियस है एंड यूजफुल है. पेटेंट ग्रांट किया जाता है पेटेंट होल्डर को एंड ये उसकी एक्सक्लूसिव राइट होती है टू मेक यूज और सेल द पेटेंटेड प्रोडक्ट्स और प्रोसेस. एक्सक्लूसिव पर्पस पेटेंट का होता है कि वो पेटेंट होल्डर को बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करे. एंड फोर्थ लिखा है पेटेंट एक्ट 1970 में आया, अमेंड हुआ एंड इफेक्ट किया गया 2005 से. तो मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. सही है, बिल्कुल 1970 में ही आया था पेटेंट एक्ट, अमेंडमेंट हुआ था अमेंड हो करके ये एक्ट दोबारा से जब आया यानी कि अमेंडमेंट के बाद में, तो 2005 में ही आया था, जनवरी 1, 2005. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इनकरेक्ट क्या है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, थ्री के अंदर? चलो यहाँ पे मेरे को बताओ इनकरेक्ट क्या है. एक्सक्लूसिव पर्पस, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? अभी बताया ना, आई एम एक्सक्लूसिव ओवर योर अड्डा 247 पे के ऊपर. अभी एट प्रेजेंट मैं और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, यानी एक्सक्लूसिवली, यानी केवल और केवल आपको अगर मेरे सेशंस लाइव देखने हैं, कोर्सेज देखने हैं, तो आपको यहाँ पे अड्डा 247 पे ले लेंगे. इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, यानी इकलौता. ठीक है, कोई रेस्टोरेंट होता है ना किसी एक पर्टिकुलर स्विगी पे या जोमैटो, वहाँ पे लिखा होता है ना एक्सक्लूसिवली, वो कहीं और नहीं मिलेगा आपको ऑनलाइन डिलीवरी के लिए. इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव होना. तो एक्सक्लूसिव पर्पस यानी पेटेंट का एक्सक्लूसिव पर्पस बोल रहे हैं बेनिफिट प्रोवाइड करना. क्या केवल पर्पस यही है बेनिफिट प्रोवाइड करना? ना, बेनिफिट प्रोवाइड करना फोकस नहीं होता, एक्सक्लूसिव पर्पस नहीं होता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कोई कॉपी ना कर ले यार उसका आइडिया, वो पर्पस होता है. एक्सक्लूसिव पर्पस उसको बेनिफिट प्रोवाइड करने का नहीं होता. ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर 21, बहुत देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में, स्टेटमेंट वाले, जहाँ पे आपको वो स्टेटमेंट दे देंगे, असर्शन रीजन दे देंगे. ठीक है, असर्शन रीजन दे देंगे ना आपसे पूछेंगे. तो यहाँ पे आपके पास में सॉरी तीन स्टेटमेंट्स हैं, GDR है आपके पास में, EDR है आपके पास में, इनसे रिलेटेड
तीन स्टेटमेंट से इसको बताने की कोशिश करेंगे। मोहित कुमार जी, ये मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, ये एमसीक्यूज़ हैं, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं। हाँ, इनको प्रिपेयर करने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर में जो टॉपिक्स आते हैं, जो पैटर्न है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया हुआ है आप लोगों के लिए। चलिए आंसर करने की कोशिश करेंगे इसको। ओके, सो मेरे पास आंसर्स आई बिलीव आने लग गए हैं एज ऑप्शन नंबर डी। रोहित इज सेइंग ऑप्शन नंबर डी। चलिए बाकी लोग भी बताइए। स्टेटमेंट वन दिया है जीडीआर, जो कि है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इज अ बैंक सर्टिफिकेट, एक बैंक का सर्टिफिकेट है जब आप मोर देन वन कंट्री में शेयर्स को लेके जाते हैं कोई भी फॉरेन कंट्री के अंदर। सेकेंड स्टेटमेंट दे के रखा है जीडीआर बहुत सिमिलर है एडीआर कि अगर हम बात करें उससे। जीडीआर को हम ईडीआर बोलते हैं जब प्राइवेट मार्केट में हम जाते हैं यूरोज ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो काफी सारे ऑप्शंस मेरे पास में आ रहे हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर टू, जो कि अगेन किसी ने नहीं दिया। कैसी प्रिपरेशन चल रही है यार आप लोगों की, बाकअप करो। एग्जामिनेशन सेकंड फेज की तो आई होप देख ली होगी, डेट नहीं आई है, कॉमर्स का नहीं आया है तो आपके लिए थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है। डेली ज्वाइन करिए 1 बजे, जहां पे मैं एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, ठीक है। अब चलो यहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ऑलमोस्ट सबका ही गलत हुआ है यहाँ पे आंसर। स्टेटमेंट नंबर वन देखो, सबसे पहले मैं आपको जीडीआर एडीआर बता देती हूँ एक सिंपल सी लैंग्वेज में कि जीडीआर एडीआर क्या होता है, ठीक है। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल रिलायंस एक इंडियन कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। अब क्या रिलायंस अपने शेयर्स केवल और केवल इंडिया में ही इशू करेगी? नहीं, ऑब्वियसली उसको फॉरेन फंडिंग की भी जरूरत होगी। भाई वो चाहे तो शेयर्स अपने डिफरेंट मार्केट्स में भी इशू कर सकती है। अब इंडिया में देखो यार, शेयर्स इशू करती है तो बीएससी एनएससी के थ्रू कर सकती है, बाहर जाएगी तो किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जाएगी। अब क्या सारे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराएगी? नहीं। तो इसका सीधा सा तरीका क्या होता है, रिलायंस गई मान लेते हैं यूएस डिपॉजिटरी बैंक के पास, ठीक है, डिपॉजिटरी बैंक्स होते हैं, और इनसे कहा कि मुझे आपकी कंट्री में 1000 शेयर्स जो है वो इशू करने हैं। अब ये डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, ये 1000 शेयर्स अपने पास रखेगा और इसके बदले 1000 शेयर्स के इक्विवेलेंट ADR, क्योंकि ये अमेरिका में इशू हो रहा है तो ये ADR इशू कर देगा। ये ADR खरीदेगा कौन? ये यूएस के लोग खरीद लेंगे। मान लेते हैं एक शेयर उनकी करेंसी में 10 या 100 डॉलर का है, तो वो 100 डॉलर का ADR ऐसे ऐसे खरीद लेंगे, इनके पास पैसा आ जाएगा, वो पैसा ये रिलायंस को दे देंगे। हुआ क्या, रिलायंस को पैसा मिल गया, शेयर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, डिविडेंड अक्रू होगा तो ये डिपॉजिटरी बैंक को देंगे एंड डिपॉजिटरी बैंक फर्दर उन ADR होल्डर्स को दे देगा। ये पूरा प्रोसेस चलता है एकदम सेम एग्जैक्टली। अभी यहीं पे ये रिलायंस जो है किसी ग्लोबल मार्केट में चली जाएगी, यानी अपार्ट फ्रॉम यूएस, तो वो जो डिपॉजिटरी बैंक होगा वो जीडीआर इशू कर देगा। कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके अगर करवाएगी ये काम, तो इंडियन डिपॉजिटरी बैंक क्या इशू कर देगा, आईडीआर, दैट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। खाली इतना सा चेंज होता है। होपफुली मीनिंग समझ आया होगा, ठीक है, होपफुली मीनिंग समझ आया होगा कि जीडीआर क्या है, एडीआर क्या है, आईडीआर क्या है। तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है। इंडिया की कंपनी गई अमेरिका में तो अमेरिका के डिपॉजिटरी बैंक के पास शेयर अपने रख दिए और वो अमेरिका के डिपॉजिटरी बैंक ने अमेरिका में क्या इशू कर दिया, ADR 1000 शेयर्स के बराबर, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। उसी तरीके से बाहर से की कंट्री यहाँ पे आई तो हमारे कंट्री में क्या इशू हो जाएगा, IDR। क्यों किया जाता है, ताकि हमें हर एक स्टॉक एक्सचेंज में जाके रजिस्ट्रेशन ना कराना पड़े। क्लियर है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो स्टेटमेंट नंबर 1 2 करेक्ट है और 3 यहाँ पे इनकरेक्ट है, पढ़ लेते हैं। जीडीआर एक बैंक सर्टिफिकेट है,
बिल्कुल, अभी हमने देखा एक बैंक का सर्टिफिकेट है, एक बैंक रिसिप्ट इशू कर रही है, यूज्ड इन मोर देन कंट्री, वन कंट्री फॉर श्योर इन अ फॉरेन कंपनी, एब्सोल्युटली। अगर भाई रिलायंस बाहर जा रही है, कहीं पे शेयर्स अपने इशू कर रही है, तो वहाँ की कंट्री के हिसाब से रिलायंस फॉरेन कंट्री हो गई, फॉरेन कंपनी हो गई, और इंडिया में कर रही है, वहाँ कर रही है, तो मोर देन वन कंट्री हो गया ना जहाँ पे शेयर्स इशू करी, तो स्टेटमेंट नंबर वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दो में देखो क्या लिखा है, GDR ADR से सिमिलर है, एब्सोल्युटली। अमेरिका में जाएंगे तो ADR हो गया, उसके बाद में और कहीं गए तो GDR हो गया, एब्सोल्युटली सेम यहाँ पे। हाँ जी, यूरोपियन को हम लोग GDR भी बोलते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी, यूरोज में ये यूजली इशू होती है अंकित, एब्सोल्युटली। थर्ड देखिए क्या लिखा है, GDR को EDR कहते हैं व्हेन प्राइवेट मार्केट, देखो प्राइवेट मार्केट से यूरो लेना है, ये कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, कॉन्सेप्ट खाली यही है इतना जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चलिए, होपफुली बेसिक बेसिक डिफरेंस जो है वो समझ आया होगा ADR GDR का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड रिप्रेजेंट्स द फुल फॉर्म ऑफ बार्स, अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, होपफुली सबको आता होना चाहिए क्वेश्चन, इसमें मुझे एक भी इनकरेक्ट आंसर्स नहीं चाहिए। किससे रिलेटेड है बार्स, आई होप क्लियर होगा सबको, मुझे बताएंगे यहाँ पे। ओके, सो मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आंसर के तौर पे आ रहा है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। किससे रिलेटेड है ये, परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको देके रखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। GE बिजनेस मॉडल, दिस इज लाइक अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, GE मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में हमारे पास में। GE बिजनेस मॉडल इज एक्सप्लेन्ड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स, तो वो जो मैट्रिक्स है ना हमारे पास में, वो भी आप बताएंगे कि कितने बॉक्सेस की मैट्रिक्स है ये वाली, एंड किस चीज़ के बेसिस पे जो है वो एक्सप्लेन करी गई, यानी उसके नीचे की साइड पे एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे क्या चीज़ें ली गई हैं, इज इट मार्केट अट्रैक्टिवनेस, बिजनेस प्रॉफिट, इज इट बिजनेस अट्रैक्टिवनेस एंड मार्केट पोजिशन, इंडस्ट्री ग्रोथ एंड कंपनी मार्केट शेयर, कंपनीज ग्रोथ रेट एंड इंडस्ट्रीज पोजिशन। 4 ऑप्शन हैं आपके पास में। पूजा इज सेइंग ऑप्शन नंबर ए, मुस्कान इज सेइंग ऑप्शन नंबर सी, बाकी लोग भी आंसर करने की कोशिश करिए, लड़कियां जल्दी आंसर दे रही हैं लड़कों के कंपैरिजन में। चलो बॉयज प्लीज बैक अप, GE बिजनेस मॉडल इज एक्सप्लेन्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स, ये अगर क्वेश्चन आता है आपको तो बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया करेक्ट आंसर, बिजनेस अट्रैक्टिवनेस एंड मार्केट पोजिशन, सो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमारे पास में 9 सेल का मैट्रिक्स होता है जी, जिसको आप मैकिन्से का मैट्रिक्स भी कहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी भी कॉरपोरेशन की मार्केट अट्रैक्टिवनेस, उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को हम डिटरमाइन करते हैं SBU के कंपैरिजन में। तो एक तरफ आपको क्या लिया जाता है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लिया जाता है, और दूसरी तरफ हमारे पास में क्या लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हमारे लिए। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाएंगे और डिसाइड करते हैं भाई कितना स्ट्रांग है कितना क्या है, कब होल्ड करना है कब उसको हटाना है, इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 24, 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है यहाँ पे कौन सी फॉल्स है या नहीं। चलो रीड करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से, अब मुझे बताने की कोशिश करेंगे। चलो
एंड डेली इस चैनल के ऊपर 1 PM पे हम मिलेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस और डिस्कस करते रहेंगे। ओके, सो क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। शेयर कैपिटल इशूड बाय द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज वेंचर कैपिटल। पहली बार जब कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है तो उसको हम वेंचर कैपिटल बोलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, सारी की सारी वेंचर कैपिटल इंडिया में प्रमोट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। थर्ड है, इन एडिशन टू द कैपिटल वेंचर कैपिटल आपको मैनेजेरियल, टेक्निकल एंड इस तरीके के सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं आपकी फर्म को असिस्ट करने के लिए। एंड फोर्थ स्टेटमेंट देके रखा है, जो भी बेनिफिट है वेंचर कैपिटल को वो लॉन्ग टर्म में आता है। यहाँ पे तो अगर हम देखने की कोशिश करें, मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, 2, 3, 4 सारे ही हमारे पास में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे आई बिलीव सबसे पहले मुस्कान ने दिया था ये आंसर एंड फॉलोड बाय विनी, तो 2 करेक्ट आंसर्स आए मेरे पास में। यहाँ पे देखो वेंचर कैपिटल क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, जो उनके पास में फंड है वो स्टार्टअप्स में लगाते हैं। और स्टार्टअप्स क्योंकि देखो स्टार्टअप्स को ग्रो होने में टाइम लगता है, तो इनको बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है। ये तो पहली चीज हमें पहले ही क्लियर हो जा रही है, बहुत रिस्की होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, क्या लिखा हुआ है, श्योर कैपिटल, सॉरी फॉल्स स्टेटमेंट देखो आपको यहाँ पे ढूंढना था। तो शेयर कैपिटल इशूड बाय कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम इज वेंचर कैपिटल, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। भाई पहली बार अगर कोई आप शेयर कैपिटल इशू करे तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट वेंचर कैपिटल। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना था। यहाँ पे बी पे क्या लिखा हुआ है, सारे के सारे जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनको यहाँ पे गवर्नमेंट प्रमोट करती है, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। भाई प्राइवेट वाले भी हैं, तो 2 यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हो गए। चलो नेक्स्ट आ जाएंगे, 25th क्वेश्चन को आंसर करने की हम कोशिश करेंगे। द सर्टिफिकेट विच एविडेंसेस एंड अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट डेट, उसको हम क्या कहते हैं। कॉर्पोरेट जो डेट लेते हैं ना, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम क्या कहते हैं। इज इट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इज इट शॉर्ट टर्म लोन सर्टिफिकेट, इज इट ट्रेजरी बिल और इज इट कमर्शियल पेपर। अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। सो करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास में, येस द करेक्ट आंसर इज कमर्शियल पेपर। सबका ही यहाँ पे ये आंसर करेक्ट। चलो इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट नंबर 1 IB से रिलेटेड आपके पास में कुछ थ्योरीज हैं, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, फैक्टर एंडाउमेंट जिसको हम 2-फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, एंड एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी। इनसे रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पे उनके ऑथर्स देके रखे हैं, तो आपको बताना है, करेक्ट मैच करना है। चलिए यहां पे बताने की कोशिश करिए, किसने कौन सी थ्योरी दी थी। एडम स्मिथ, गॉटफ्रिड हेबेलर, डेविड रिकार्डो, एलाई हेक्शर एंड बर्लिन बोटल ऑलन। किसने कौन सी थ्योरी यहां पे देने की कोशिश करी थी। ओके, सो एम गेटिंग द करेक्ट आंसर, यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। सबका ही ऑलमोस्ट यहाँ पे करेक्ट है आंसर। देखो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो है वो हमें डेविड रिकार्डो ने दी थी,
फिर अगर हम देखें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किसने दी, हेबलर ने देने की कोशिश करी। फैक्टर एंटॉमेंट यानी टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, एचओ ने दी थी, अ वेरी फेमस मॉडल। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसकी थी, एडम स्मिथ की थी। चलिए आईएफसीआई का मेन ऑब्जेक्टिव बताने की कोशिश करेंगे। चार ऑप्शंस हैं आपके पास में। हेलो अर्जुन, यस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम ऑल्सो टेकिंग यूजीसी नेट क्लासेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई बिलीव इट्स बीन वन ईयर। थोड़ा सा ऑक्यूपाइड थी अपनी पीएचडी से रिलेटेड, बट नाउ आई एम लाइक कंप्लीटली अवेलेबल फॉर यू गाइस फॉर दिस अटेम्प्ट। एंड ये वाला अटेम्प्ट तो खैर अब 10-15 दिन ही आप लोगों के बचे हैं, नेक्स्ट फेज में होपफुली डेट आ जाएगी उसके नेक्स्ट वाले के लिए। आई बी लाइक अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएफसीआई? ओके, चलिए आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास में एज ऑप्शन नंबर। अच्छा आई बिलीव ये लास्ट क्वेश्चन के आंसर्स है, इस वाले के अभी तक नहीं दिए हैं किसी ने। चलिए आंसर दीजिए, पढ़ लीजिए ऑप्शंस को। आईएफसीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हो सकता है यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर्स मिल रहे हों, तो जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस करते थे कि आपको फिर बेस्ट चूज करना पड़ेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव, सबसे प्राइम, सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे जो आईएफसीआई जिस पर्पस के लिए क्रिएट हुआ है। एक तरीके से हिंट दे दी है मैंने आपको। हाँ जी विजय, वही टॉपिक है मेरा। एनपीए के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर जो मैंने स्टडी करी हैं। चलिए करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे देखो आईएफसीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स का मतलब सबसे हाईएस्ट, सबसे प्रीमियर, सबसे ऊपर ये इंस्टीट्यूशन है। किस लिए? फाइनेंस के लिए। टर्म फाइनेंस, टर्म फाइनेंस क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको दिया जाता है इंडस्ट्री को विद कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन, सुपरविजन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। तो आईएफसीआई जो है वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, वो सारी इस तरीके के फाइनेंसेस को प्रोवाइड करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आएंगे इनमें से आपको, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आई बिलीव सबका सही हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको बताना है कौन सा नहीं है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस से रिलेटेड। यस 1948 में आया था विजय। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा एंड डेली 1 बजे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम रिलेवेंट अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे एंड रिवाइज भी हो जाएंगे आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स। एंड आपके एग्जाम से पहले मैं एक बार ही कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए कुछ मैराथन रिवीजन सॉर्ट, जिसके अंदर हम लोग कुछ पॉइंटर्स के थ्रू यूनिट्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। चलो तो यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। आपको बताना था कौन सा नहीं है
इंडस्ट्रियल लॉज जो बनते हैं इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, लेबर के प्रोडक्शन के लिए जो लॉज बनते हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, इस मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, ये जो लॉज बने हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? तो देखो, मेंटेन करना सोशल इक्विटी तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, ये तो इनका ऑब्जेक्टिव है। क्रेडिट फैसिलिटी इंडस्ट्रीज़ को ये प्रोवाइड करते हैं मेंटेन करना, कि भाई इंडस्ट्रीज़ को क्रेडिट प्रोवाइड हो, विच इज़ अगेन एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल इनका ऑब्जेक्टिव होता है। इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी इनका काम नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए इंटरनेशनल लॉज अलग हैं जो इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी देखने की कोशिश करते हैं। सो पॉइंट नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, VRIO फ्रेमवर्क सुना होगा बिजनेस मैनेजमेंट में, इसका फुल फॉर्म बताना है। हाँ जी मिनीत, कुछ कुछ क्लैश कर सकते हैं, जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि दोनों के बीच में क्या है। VRIO फ्रेमवर्क यूज्ड इन HR, बिजनेस मैनेजमेंट HR की यूनिट कंबाइन हो चुकी है, जो कि अब हमारा करेक्ट फुल फॉर्म बताएंगे। किसने दिया था ये? बाड़ने ने दिया था, ओके, सो आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर्स एज ऑप्शन नंबर सी। चलो देखेंगे, यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वैल्यू। VRIO stands for value, rarity, imitability and organization. इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्प्लॉयज हैं, है ना, जो हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्सेज है, एक तो पहली चीज़ भाई उसकी वैल्यू क्या है, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। रेयरिटी होनी चाहिए, यानी वो रेयर होना चाहिए जो भी उसके पास स्किल्स वगैरह है। इमिटेबिलिटी कितनी है, यानी उसको इमिटेट कैसे कितना किया जा सकता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस रख रहा है। नेक्स्ट आएंगे, अगला क्वेश्चन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कौन सी टेक्निक है, किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो मेरे ख्याल से यार किसी का करेक्ट, किसी का सॉरी इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए किसी का। मेरी फेवरेट यूनिट रहा करती थी जब मैं आप लोगों को पढ़ाती थी यहाँ पे, मुझे क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पुराने ही स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, सो दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट यूनिट्स, बिजनेस फाइनेंस। टॉपिक भी मेरा बहुत फेवरेट वाला है, ये कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो तो PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैसे लिखते हैं इसको हम, PV कैश इनफ्लो का डिवाइडेड बाय PV कैश आउटफ्लो का, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां पे आपको फॉर्मूला लिख रही हूं, PV कैश इनफ्लो माइनस PV कैश आउटफ्लो, तो कोई मुझे बताएगा आखिर इस फॉर्मूले में जब मैंने थोड़ा सा चेंज किया तो ये किस टेक्निक का फॉर्मूला बन गया? ऊपर जो लिखा है वो किस टेक्निक का फॉर्मूला लिखा है मैंने, यहां पे किसका फॉर्मूला है? यस, दिस इज NPV। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे PI सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब PI को हम बोलते हैं कि बेस्ट टेक्निक है कैपिटल बजटिंग की, कौन सी वो सिचुएशन थी जब हम कहते हैं PI बेस्ट टेक्निक है? अगर दो टेक्निक्स या तीन टेक्निक्स अलग अलग आंसर भी दे रही है एक प्रोजेक्ट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए, तो भी हम वही करेंगे जो PI कह रही है। कौन सी वो टेक्निक है, सॉरी कौन सी वो सिचुएशन है जब हम PI को एकदम आग बंद करके फॉलो करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स,
दैट इज कैपिटल. एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना. कैपिटल रेशनिंग की सिचुएशन. कौन सी सिचुएशन? कैपिटल रेशनिंग, जब पैसा कम होता है हमारे पास में. ठीक है, 1000 करोड़ है और बहुत सारी टेक्निक्स है यार जो पॉजिटिव हो रही हैं एनपीवी के हिसाब से या आईआरआर के हिसाब से. तो अगर हमें उनमें से कौन सी टेक्निक में किस ऑर्डर में पैसा लगाना है ये डिसाइड करना है, तो उसके लिए बेस्ट टेक्निक मानी जाती है पीआई, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. आई होप सेशन अच्छा लगा होगा आप लोगों को. सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी मैं लाइव जाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए. डेली 1 बजे सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस हम लोग यहाँ पे मिलेंगे आपसे डेली, मंडे टू सैटरडे. संडे मेरा ऑफ रहता है तो मंडे टू सैटरडे डेली इसी जगह पे हम मिला करेंगे. कल और कुछ हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन डिटेल, उनका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे. सो विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज टुमारो. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन. Hello everyone, if you are preparing for UGC NET Commerce, then this video is going to be extremely helpful to you. In this particular video, we are going to discuss the detailed syllabus for UGC NET Commerce. So please, video ko end tak dekhiyega, main pura syllabus detail mein discuss karne wala hoon. Aur Hey everyone, this is Shazli and welcome back to the official platform of UGC NET Data 24/7. आज के इस सेशन के अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. चलो ज्वाइन कर जाओ आज के सेशन के अंदर, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन, जहां पे कॉमर्स कोड 08 मैनेजमेंट कोड 17 दोनों ही एस्पिरेंट से रिलेटेड ये सेशन आपका हेल्पफुल रहेगा. चलो बच्चा ज्वाइन कर जाओ एंड मेरे को बताना एक बारी कि आपको ऑडियो वीडियो ये सारी चीजें आपके एंड पे क्लियर आ रही हैं या नहीं. चलिए क्वेश्चन को देखते हैं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनफीरियर गुड्स. इनफीरियर गुड्स कौन से होते हैं उसका एग्जांपल बताना है आपको. ए ऑन ब्रोकिंग सर्विसेज, बी डेली स्टार न्यूज़पेपर, सी कोका कोला या फिर डी दैट इज सिगरेट्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फीरियर गुड्स, उसका एग्जाम्पल बताएंगे. चलो बच्चा क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं. हेलो तान्या. चलिए क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर सबसे पहले है पॉन ब्रोकिंग सर्विसेज. अब पॉन ब्रोकिंग है क्या, इन्फीरियर गुड्स क्या है, क्या दोनों डिस्कस करते हैं. इन्फीरियर गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिनका डिमांड डिक्लाइन हो जाता है जब इनकी प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन हो जाती है या कुछ, यानी एक ऐसे गुड्स जिनका लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन है. ये वो गुड्स होते हैं जो एक कस्टमर तब परचेज करता है जब उसकी इनकम कम होती है. तो जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज कर जाएगी, मैं इन गुड्स की डिमांड करना
कम कर दूंगी, यही होता है ना इन्फीरियर कुछ हमारे लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो पॉन ब्रोकिंग सर्विसेज क्या होती है, जब आप अपने कोई असेट्स गिरवी रखते हैं और जा करके कुछ पैसा लेंड करके लाते हैं, यानी कोई पैसा उधार लेके आते हैं। अब ये जो सर्विसेज है ना, ये हम तभी लेते हैं जब या तो ये सर्विसेज आपकी एक मेरे बजट के अंदर आ रही है, क्योंकि मेरी इनकम कम होती है। अच्छा, जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, मैं इनकी डिमांड बढ़ाऊंगी नहीं, मैं बल्कि इनकी डिमांड कम कर दूंगी यहाँ पे। सो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पॉन ब्रोकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट आएंगे, अगला क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून रजनी, गुड आफ्टरनून आरती। चलो बच्चा, अगला क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो स्टैंड बाय के एयर टिकट्स होते हैं ना, आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन एग्जांपल ऑफ। नहीं भी पता अगर आपको स्टैंड बाय एयर टिकट्स, तो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। मॉर्निंग स्टार, ये PYQs नहीं है, ये MCQs है। PYQ भी मैं कराऊंगी आपको इन्हीं सेशंस के अंदर, जून से पहले मैं PYQs भी कराऊंगी आपको। चलो बच्चा, ये वाला क्वेश्चन आंसर करेंगे कि स्टैंड बाय एयर टिकट जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब किए जाते हैं इनमें से किसके एग्जाम्पल के तौर पे। हेलो जगदीश, चलो बच्चा आंसर करो यहाँ पे। चलो, स्टैंड बाय एयर टिकट सबसे पहले होता क्या है, जब ही भी कुछ जैसे फ्लाइट होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी फ्लाइट्स की सारी टिकट्स बिक जाते हैं, कुछ ऐसे टिकट्स होते हैं ना, एक आध दो जैसे मिडिल वाली सीट वो वेकेंट रह जाती है। तो जब आप फ्लाइट जाने से पहले शो अप कर जाएं एयरपोर्ट के ऊपर, और जैसे फ्लाइट जेट जा रही है, उड़ने वाली है, थोड़ा मतलब अब वो बोर्डिंग क्लोज कर रहे हैं या कुछ जो भी है गेट्स क्लोज कर रहे हैं, अब दो टिकट्स हैं उनके पास में, तो वो क्या करते हैं, सस्ते प्राइसेस के ऊपर ये टिकट्स को दे देते हैं। इनको कहते हैं स्टैंड बाय एयर टिकट्स आपके। तो स्टैंड बाय एयर टिकट्स को आप किस तरीके से, किस एग्जांपल के तौर पे आप लेंगे। स्टैंड बाय एयर टिकट्स होते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमाते हैं स्टैंड बाय एयर टिकट्स के अंदर, क्योंकि यार देखो, अगर मान लो 120 टिकट्स हैं एक पर्टिकुलर फ्लाइट में, एक फ्लाइट पे मान लीजिए 120 सीटें हैं और 110 सीटें ऑलरेडी बुक्ड हैं, बुक हो चुकी हैं, 10 सीटें खाली हैं। अब या तो ये फ्लाइट 110 सीटों पे उड़ जाएगी, क्योंकि वो तो गेट को आप क्लोज कर रहे हैं, या तो दो जो लोग खड़े हैं उनको आप टिकट्स दे दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं करते कि प्रॉफिट जोड़ेंगे या कुछ जोड़ेंगे, हम क्या करते हैं, वो जो दो की प्राइस लग रही है ना मेरी, वो दो सीटों की जो भी एक्स्ट्रा प्राइस थी, मैं वो ही चार्ज कर लूंगी उन पैसेंजर्स से और उनको फ्लाइट में बोर्ड कर लूंगी, क्योंकि मेरे को तो ऐसे भी 110 फ्लाइट्स लेके जाना है। इससे बेहतर ये नहीं होगा कि मैं ये दो लोगों को मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर टिकट्स बेच दूं। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से जो आपको कॉस्ट लग रही होती है, तो ये जो दो एक्स्ट्रा सीट्स की कॉस्ट है, मैं वो उस पर इनको बेच दूंगी और ये आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। तो यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आएंगे, अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस दैट अ फर्म कैन सस्टेन फॉर अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग का एग्जांपल एक और, कॉस्ट प्राइसिंग का एग्जांपल एक और बहुत अच्छा होता है, जब आप देखिए कहीं पे जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो लोग सेल लगाते हैं, एक्सपायरी जैसे जैसे नज़दीक आ रही होती है उनके सॉसेस की या कोई भी खाने पीने की चीज़ों की, उनकी अगर देखिए एक्सपायरी कम हो रही होती है या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो वो आधे रेट के ऊपर आपको दे देते हैं या आधे से कम पे एक फ्री दे देते हैं, एक पे दो फ्री दे देते हैं। तो उनकी जितनी कॉस्ट लगी होती है ना बनने में, वो उसी कॉस्ट पे आपको बेच देते हैं प्रोडक्ट को।
मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो एक फर्म अपने प्रोडक्ट पे सस्टेन कर सकती है वो क्या होता है? चलो बच्चा देखते हैं यहाँ। अब एक फर्म जब भी सेल्स की बात करती है, अच्छा मुझे अगर मान लेते हैं कोई चीज खरीदनी है एज अ कस्टमर, तो हमारा एक बजट होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो मन चाहा जो प्राइस मांगेंगे मैं वो प्राइस पे करके उनको खरीद लूंगी प्रोडक्ट को। तो मैक्सिमम वो क्या सेलिंग प्राइस सस्टेन कर सकती है जो एक कस्टमर रेडी है या मेंटली प्रिपेयर्ड है पे करने के लिए। मैं अगर 5,000 रुपए एक पर्टिकुलर ड्रेस है उसका मेरा बजट है, तो ऐसा तो है नहीं कि 50,000 मांगेंगे तो मैं पे कर दूंगी, कि वट एवर उनका कॉस्ट लग रहा है वो कहेंगे मेरा कॉस्ट 45,000 लग रहा है तो क्या मैं पे कर दूंगी, नहीं ना, मेरा बजट ही 5,000 रुपए का है तो आई वॉन्ट बी पेइंग दिस पर्टिकुलर प्राइस। या जो कॉम्पिटिटर की प्राइस है, अरे कॉम्पिटिटर की प्राइस मान लो उनके ब्रांड नेम के हिसाब से, आपका ब्रांड नेम नहीं है तो क्या आप वही प्राइस चार्ज कर देंगे? नहीं, क्या उसके हिसाब से उसके पैरिटी, मतलब वो 50 कर रहा है तो हम भी 50। अब जैसे एप्पल है, एप्पल अगर मान लेते हैं 1.5 लाख का फोन लेकर के आ रही है क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू है उतना। अब कोई नई कंपनी आएगी बोलेगी नहीं यार वो कॉम्पिटिटर ऐसे कर रहा है 1.5 लाख, तो मैं भी 1.5 लाख का करूंगी, कोई कस्टमर खरीदेगा क्या? ना। तो कस्टमर जो पे करने को रेडी है आप वो ही प्राइसेस चार्ज करते हैं। नेक्स्ट आएंगे, रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस इज डीम्ड पर्टिकुलरली नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्रीज वेयर। प्राइसेस का जो रेगुलेशन है वो नेसेसरी है, इनमें से कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए? चलिए आंसर करिए इसको। चलिए बताइए, रेगुलेशन प्राइसेस का नेसेसरी है इनमें से किस इंडस्ट्री के लिए? चलो बच्चा अगर हम यहां पे देखें तो रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस का मतलब हो गया जहां पे गवर्नमेंट रेगुलेट करे प्राइसेस को, क्या अननेसेसरी ज्यादा प्राइस तो नहीं चार्ज हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। तो नेसेसरी किस इंडस्ट्री के लिए है? देखो जब डिमांड और सप्लाई इक्वल है तब तो आपको प्राइस देखनी ही नहीं पड़ेगी, डिमांड का कर्व ऐसा होता है और सप्लाई का कर्व ऐसा होता है, यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा बीच में, तो यहाँ तो आपको रेगुलेशन की नीड ही नहीं है। सेकेंड में देखो क्या लिखा है, सप्लाई जब ज्यादा है डिमांड के कंपैरिजन में, अच्छा जब सप्लाई ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली क्या प्राइसेस कम आ जाते हैं हमारे, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा रेगुलेशन करने के लिए, ऑटोमेटिकली जैसे ही सप्लाई बढ़ी डिमांड कम है तो प्राइस अपने आप नीचे आ जाते हैं, कॉमन इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, कॉम्पिटिशन रिजल्ट्स इन सर्विस प्रोवाइडर्स इनकरिंग लॉसेस। अच्छा जब कॉम्पिटिशन हो रहा है बहुत ज्यादा, सर्विस प्रोवाइडर्स को लॉस हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कुछ लोग बाहर चले जाएंगे और वो प्राइसेस अपने आप रेगुलेट हो जाएंगे, तो हमें मैंडेटरली नहीं करना पड़ेगा। हमें कहाँ पे रेगुलेशन करना पड़ेगा, जब एक सिंगल फर्म रन कर रही है यानी मोनोपोली है जैसे मान लो, तब आपको देखना पड़ेगा कि अननेसेसरी ज्यादा प्राइसेस तो नहीं चार्ज कर रहे, या जब टेक्नोलॉजी से आपने एंट्री के बैरियर लगा दिए तब ऐसा तो नहीं आप अननेसेसरी ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से। इन सिचुएशंस में आपको रेगुलेशन करनी पड़ेगी, आपको यानी किसको, गवर्नमेंट को रेगुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आएंगे, अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, इंटरमीडियरीज आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ।
मार्केट टारगेटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए आंसर। चलिए आंसर करेंगे इसको। वेरी नाइस। तो ये क्या है? दिस इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर के बीच में जो आते हैं, मतलब जो तरीका, जो डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल एक मैन्युफैक्चरर अडॉप्ट करता है अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए, दिस कैन बी थ्रू होलसेलर, थ्रू रिटेलर्स, थ्रू एनी इंटरमीडियरीज, एजेंट्स वगैरह, ये सारा इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है बच्चा। इन जनरल जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने डेवलप किया है इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। इसको पढ़ो पहले, समझ के आंसर करने का ट्राई करो और फिर मैं इसको डिस्कस करूंगी आपके साथ। देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। इन जनरल जब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप होता है, इनमें से कौन सा सही हो जाता है? देखो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो कौन सी चीज सही है कि गुड्स जो है वो ट्रैवल करते हैं लॉन्गर ओवरऑल डिस्टेंसेस। देखो शॉर्टर ओवरऑल डिस्टेंसेस तो है नहीं क्योंकि हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी एक पर्सन ले करके गुड्स को जा रहा है फिजिकली। नंबर ऑफ वेयर हाउसेस की अगर हम बात करें, इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनलिटी। इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू। हो सकता है वेयर हाउसेज इंक्रीज करें, हो भी सकता है वेयर हाउसेज इंक्रीज ना करें। सो ऑप्शन नंबर बी जो है जनरली ये तो सही होगा ही होगा क्योंकि गुड्स तो ट्रैवल करेंगे अगर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है तो। नेक्स्ट आइए, चिमनी स्वीप्स एक पर्टिकुलर कंपनी है, उस वो ऐसा ऐसा कर रही है। अब आप बताइए इनमें से करेक्ट आंसर, पहले आप बताइए फिर मैं इसको समझाऊंगी आपको। चिमनी स्वीप्स इंप्लॉय करती है लोगों को ताकि वो फायर प्लेसेस, चिमनीज, घरों में, अपार्टमेंट्स में क्लीन करें। तो ये जो फर्म है वो प्राइमरीली मार्केट कर रही है इनमें से कौन सी चीज? क्या वो एक इमेज मार्केट कर रही है, एक सर्विस मार्केट कर रही है, एक गुड को मार्केट कर रही है, या एक आइडिया को मार्केट कर रही है? चलो बच्चा बताओ यहाँ पे। क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ सर्विस। तो तक दिए तान्या जगदीश, सबने सही दिया यहाँ पे आंसर। तो चिमनी
स्वीप्स जो एक कंपनी है भैया क्या कर रही है, ये चिमनी साफ करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे ये क्या मार्केट कर रही है, दिस इज मार्केटिंग अ सर्विस। नेक्स्ट आ गया अगला क्वेश्चन, द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट होती है जब बायर रिकॉग्नाइज करता है अ डैश। बाइंग की जो प्रोसेस है ना बेसिकली वो कहां से शुरुआत करती है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हां जी दैट इज 100% डी। तो यहाँ पे अगर हम देखें बाइंग प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, यार हमें कब लगेगा कि खरीदना है, जब हमें एक नीड लगती है, मेरे को एक पिंपल आ गया बस हो गई नीड, अभी मुझे चाहिए हिमालय नीम प्योरिफाइंग फेस वॉश या कुछ भी उन्होंने मेरे दिमाग में बैठाला हुआ था, मुझे नीड अराइज करी, खरीदा प्रोडक्ट्स मैंने। तो बायर की बाइंग प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, जब एक प्रॉब्लम होती है, एक नीड होती है, फिर जाके हम प्रोडक्ट ढूंढते ढूंढते हैं, वो सारी चीजें हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सीड कर गया एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस का प्रोडक्ट का, तो कस्टमर क्या होगा, क्या वो सेटिस्फाइड है, क्या वो डिससेटिस्फाइड है, क्या वो डिलाइटेड है या वो न्यूट्रल है। चल क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो जब भी हम बात करते हैं एक कस्टमर के सेटिस्फैक्शन की, तो मैं जब भी एक प्रोडक्ट को खरीदती हूँ, मान लेते हैं 100 रुपीज में मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, तो मेरे दिमाग में कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे इतना इतना सेटिस्फैक्शन या इतना इतना कुछ जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो जब भी मान लेते हैं मेरी जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी प्रोडक्ट की, एक्सपेक्टेड जो मैंने किया था वो मान लेते हैं 1000 की थी, इन रियलिटी मुझे 2000 की सेटिस्फैक्शन मिल गई इस प्रोडक्ट से, देन आई विल बी डिलाइटेड। मैं सेटिस्फाइड कब रहूंगी, जब 1000 एक्सपेक्ट किया था और 1000 की ही परफॉर्मेंस मिली मुझे, तो आई विल बी सेटिस्फाइड। 1000 एक्सपेक्ट किया था और 500 की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आई विल बी डिससेटिस्फाइड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। नेक्स्ट आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी मुस्कान, मैंने ना क्लास आपकी मर्ज करी है अभी के लिए, एंड अभी जब मैं ईद के बाद क्लासेस लूंगी उसके बाद में मैं आपके सबके मैराथन्स लूंगी मिलाकर के, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के जो जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो साथ में लूंगी, एंड मैनेजमेंट के जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके डिफरेंट हैं उनके मैं सेपरेट मैराथन्स भी लूंगी। तो अभी फिलहाल के लिए आपका सेशन जो है इस मंथ में वो 1 बजे चल रहा है। ओके okay?
मॉर्निंग स्टार, अभी तो मैं मिक्सड ही करा रही हूँ. नेक्स्ट डे यानी कि कल जो आपका सेशन रहेगा दैट वुड बी मिक्सड एमसीक्यूज आपके रहेंगे. एंड जब हम लोग अभी मैं ईद के लिए एक्चुअली घर जा रही हूँ, तो थोड़ा सा 3-4-5 दिन के बाद जब मैं वापस आऊँगी, उसके बाद में मैं पर डे के हिसाब से आपके 50 एमसीक्यू के सेट्स लेंगी. एक एक दिन में हम एक एक यूनिट के 50-50 क्वेश्चन जो है वो कवर अप करेंगे. ये 3-4 दिनों में ही आपको चैनल के ऊपर दिखने लग जाएंगे सेशंस. तो सारे सेशंस के अंदर आप जो है वो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा डेली बेसिस पे. और ये हम लोग यूनिट वाइज करेंगे, ठीक है? जैसे पहले दिन बिजनेस एनवायरमेंट, दूसरे दिन इंटरनेशनल बिजनेस, इस तरीके से हम यूनिट वाइज करने की कोशिश करेंगे. सारी यूनिट के 50-50 क्वेश्चंस करेंगे एंड देन हम लोग ये सारी यूनिट्स का रिविजन भी करेंगे. तो जून के लिए विल बी लाइक एकदम स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि जून में तो इस बार जारे पप्पे को करना ही करना है. चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 19 फिलहाल अभी आंसर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19 इज एडिंग न्यू फीचर्स टू अ प्रोडक्ट इज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस. ये कौन सी अप्रोच है? दिस इज द प्रोडक्ट अप्रोच. तो प्रोडक्ट अप्रोच क्या करती है, क्या कहती है कि एक प्रोडक्ट को आप जब फीचर्स एड करिए, यानी एक प्रोडक्ट के जो सेल है वो किस पे डिपेंड करती है, वो केवल और केवल इस प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है. आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर डिमांड करेगा. दैट इज व्हाट अ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स. नेक्स्ट आएंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर. वन ऑफ द की टास्क ऑफ मार्केटर्स इज डैश एंड टू क्रिएट कंज्यूमर परसेप्शंस दैट द प्रोडक्ट इज वर्थ परचेसिंग. चलो इसको आंसर करेंगे क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 20 आंसर करेंगे. वन ऑफ द की टास्क ऑफ मार्केटर्स इज डैश एंड टू क्रिएट कंज्यूमर परसेप्शन दैट द प्रोडक्ट इज वर्थ परचेसिंग. तो मार्केटर क्या करता है, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से सबसे पहले जो डिफरेंशिएट करता है. चाहे आप एक टूथपेस्ट भी देख लीजिए ना, इन सब ने अपने टूथपेस्ट को भी एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया है. किसी ने ब्रेथ पे टारगेट किया है कि फ्रेश ब्रेथ. नाम क्या आता है दिमाग में? क्लोज अप, ताज़ा सांसें उन्होंने ऐड दे दिया. कोलगेट की आप बात करिए, उन्होंने वो डेंटिस्ट का रिकमेंडेड वैसा करके कर दिया. तो प्रोडक्ट इज सेम, काम सेम कर रहा है दोनों. करा क्या है, अपने ही प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में डिफरेंशिएट कर दिया. मुझे क्या लग रहा है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, हालांकि काम इनका पर्पस सेम है. सो एक पर्टिकुलर जो मार्केटर है वो सबसे पहले तो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से एंड फिर कंज्यूमर को परसेप्शन बनाता है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो वर्थ परचेजिंग है और आप उसको परचेज करें. सो पॉइंट नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अग्वीर ने करेक्ट आंसर दिया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. एनीबडी Who is preparing for June 2022? आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे कॉमर्स के मेगा पैक में एनरोल कर सकते हैं. आपको क्या करना है, अनअकैडमी अडा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, या फिर आपको क्या करना है, अडा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है. एंड यहाँ पे आप यूजीसी के अंदर जून 2023 में जाएंगे एंड आपको यहाँ पे देखिए मेरा ये कोर्स जो है वो दिखा रहा होगा. बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कोड लगाएंगे Y760. एंड
यहाँ पे आपको 77% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कॉमर्स मेगा पैक में। यहाँ पे पेपर वन एंड पेपर नंबर टू कॉमर्स दोनों से ही रिलेटेड आपको लाइव क्लासेस जो है वो मिल जाएंगे। जितने भी क्लासेस जितने भी कोर्सेज अगले 12 महीने तक आते रहेंगे, चाहे पेपर वन चाहे पेपर नंबर टू कॉमर्स, वो सारे इसके अंदर ऐड होते रहेंगे। साथ साथ 9 बुक्स का जो सेट है वो आपके घर पे डिलीवर होगा, सो दैट आप सेल्फ स्टडी के लिए जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाए और आप वो भी जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के अंदर होगा, यानी ये किताबें आपकी इंग्लिश के अंदर जो है वो रहेंगी। अब इसके अलावा जो भी क्लासेस होंगे उससे रिलेटेड आप पीडीएफ नोट्स भी जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे। सो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। Everyone, this is Shajli and welcome back to the official YouTube channel of UGC Net Adda 24/7। आज के इस सेशन के अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपकी यूनिट है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस विद टॉपिक्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज्वाइन कर जाइए आज के सेशन के अंदर, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन। और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किए थे इसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर, जो कि आपकी डेली 3 बजे जो है वो होता है मैनेजमेंट से रिलेटेड। चलिए ज्वाइन कर जाइए जल्दी से, स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चा, कल का जो सेशन था ना उसके अंदर हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस के करीब डिस्कस किए थे, आज वहीं से आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। चलो, which of the following statement is true if the net present value is positive? पढ़ लो ध्यान से, फिर डिस्कस कर लेते हैं इसको हम लोग। पढ़िए इसको बच्चे अच्छे से और मुझे आंसर करने की कोशिश करिए। चलो
देख लेते हैं, मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा अभी तक आपने क्वेश्चन को. क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है. सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा है एनपीवी के बारे में. तो एनपीवी क्या होता है बच्चा? नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके इनफ्लोज की, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू आपके इनफ्लोज की माइनस प्रेजेंट वैल्यू आपके आउटफ्लोज की. तो लिखा है कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो पीआई क्या होता है? पीआई इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज. तो जिस सिचुएशन में बच्चा एनपीवी पॉजिटिव होता है उस सिचुएशन में पीआई भी आपका ग्रेटर देन वन होता है, क्योंकि दोनों ही सेम ही चीजों को लेकर के, सेम ही चीजों के अराउंड कैलकुलेशंस जो है वो करते हैं. नेक्स्ट आइए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस करेंगे कैपिटल बजटिंग को एक्सेप्ट डैश. इनमें से सब कैपिटल बजटिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, केवल एक नहीं कर रहा है. बताइए वो क्या है? क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे. ऑल द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग को एक्सेप्ट वन. तो क्या सी चीज है जो कैपिटल बजटिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करता है? देखो डेप्रिसिएशन कितना है, आप जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन कितना है वो मैटर करता है. सैलवेज वैल्यू यानी उस पर्टिकुलर एसेट को जब आप बेचेंगे तो कितना पैसा निकल करके आएगा. टैक्स रेट क्या है और क्या मेथड आपने यूज किया है ना उस पर्टिकुलर पैसे को लेकर के आने के लिए, ये पहले ही डिसाइड हो चुका है. अब उस चीज का कैपिटल बजटिंग के डिसीजन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता. नेक्स्ट आइए बच्चा, अगला क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे.
सबसे पहले द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. फाइनेंशियल सिक्योरिटीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट क्लोजिंग देयर बुक वैल्यू प्राइस आर क्लासिफाइड एज. ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, सॉरी उसको हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट्स. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखिए. गुड आफ्टरनून शुभम, चलिए इसको आंसर करेंगे. कलेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है. किस चीज की? कलेक्शन ऑफ नेट इनकम. अमोर्टाइजेशन कितना हुआ है, डेप्रिसिएशन कितना हुआ है, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं बाय कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर शेयर के ऊपर कितना कैश फ्लो जो है वो हमारे पास में आया है बदले में. नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे. चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. क्लास डेली होती है मुस्कान, कल भी क्लास हुई थी 3 बजे. इन कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्या है. डेप्रिसिएशन ऑफ अमोर्टाइजेशन जो है वो क्या है आपके नॉन कैश चार्जेस. देखो कैश नहीं जा रहा, डेप्रिसिएशन जब आप किसी एसेट के ऊपर चार्ज करते हैं तो कैश आपकी उससे बाहर तो नहीं जाता ना. अमोर्टाइजेशन करते हैं, डेप्रिसिएशन करते हैं, बट यस चार्ज हम फिर भी करते हैं. सो दीज आर नोन एज नॉन कैश चार्जेस. हाँ जी मुस्कान, ये क्लास डेली जो 3 बजे चलती है ना बच्चा, वो ही मैनेजमेंट की क्लास होती है. कल गलती से ना बिजनेस फाइनेंस लिख गया था उसके ऊपर यूनिट का नाम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जगह मतलब जो ओवरऑल ब्रॉड टॉपिक है वो मैंने लिख दिया था, हो सकता है इसलिए आप कंफ्यूज हो गए हो. लेकिन मैं थी मैं मैनेजमेंट की ही क्लास ले रही थी, उसको मैंने बाद में हालांकि चेंज करा दिया है. मनी हैज टाइम वैल्यू बिकॉज डैश. मनी के पास, मनी में टाइम वैल्यू होती है, यानी टाइम के साथ साथ आज 10 रुपए की वैल्यू कल बदल जाएगी, कल कुछ और थी पहले, तो उसको कहते हैं टाइम वैल्यू. मनी की टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू बदलना, उसके हिसाब से आंसर करिए यहाँ पे.
चलो बच्चा क्या है, मनी हैज टाइम वैल्यू बिकॉज, क्यों है मनी की टाइम वैल्यू? चलो बताने की ट्राई करेंगे यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। चलो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करें, ऊपरी क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मनी के पास में टाइम वैल्यू होती है। क्यों होती है? कि जो मनी आज है वो ज्यादा सर्टेन है, आज मेरे 500 रुपए ज्यादा सर्टेन है, मुझे पता है मैं 500 रुपए में क्या क्या चीजें खरीद सकती हूँ, देन कल का पैसा। मनी जो है आज इसकी वर्थ बहुत ज्यादा है कल के कंपेरिजन में, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी कल। There is possibility कि कल रिस्क हो जाएगा उस पर्टिकुलर रिटर्न के ऊपर। आज मुझे पता है 500 का मतलब मुझे 500 है मेरे हाथ में, कल हो सकता है वो 500 भी ना हो, वो भी डूब जाए। नेक्स्ट आएंगे, अगला क्वेश्चन बच्चा देखिए। कैपिटल बजटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि बेस्ड है इन कैपिटल बजटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि बेस्ड है डिस्काउंटेड कैश फ्लो के ऊपर, इसको आप क्या कहते हैं, इनमें से वो कौन सी टेक्निक है? चलिए मुझे बताइए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो एक ऐसी टेक्निक विच इज डिस्काउंटेड इन नेचर, तो कैपिटल बजटिंग में वो टेक्निक जो कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो के ऊपर बचा बेस्ड है, इज क्लासिफाइड एज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसके अंदर हम जो कैश फ्लोज का इस्तेमाल करते हैं उनको हम प्रेजेंट टाइम के हिसाब से डिस्काउंट करने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए क्या लिखा है। सिंकिंग फंड फैक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ डैश।
चलो क्वेश्चन देखेंगे, सिंकिंग फंड मेथड किस चीज का रेसिप्रोकल है यहाँ पे? फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर एक पर्टिकुलर एन्युटी का. नेक्स्ट ऑप, कूपन रेट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का कूपन रेट यानी जो इंटरेस्ट इनके ऊपर मिलता है वो क्या होता है? क्या वो हायर है, क्या वो लोअर है, क्या वो वेरी करता रहता है, क्या वो स्टेबल है? चलो बच्चा, कूपन रेट कन्वर्टेबल बॉन्ड का क्या होता है? लोअर होता है. जो इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली लोअर कूपन रेट के ऊपर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाते हैं, यानी वो बॉन्ड जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में कन्वर्ट होने का आपको ऑप्शन देते हैं किसी दूसरी सिक्योरिटी में. When price of a bond is calculated below its par value, जब प्राइस एक बॉन्ड का बिलो इट्स पार वैल्यू कैलकुलेटेड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको क्लासिफाइड बॉन्ड कहते हैं, क्या हम उसको डिस्काउंट बॉन्ड कहते हैं, हम उसको कंपाउंड बॉन्ड कहते हैं, या फिर हम उसको कंसिडरेशन बॉन्ड कहते हैं? हाँ जी मुस्कान, मैं कर देती हूँ, एक सेकेंड आपको कर देती हूँ लिंक. भेज दिया मैंने आपको. चलो बच्चों क्या लिखा है, एक प्राइस की एक बॉन्ड की जो वैल्यू है जब आप कैलकुलेट करते हैं बिलो इट्स पार वैल्यू, यानी 100 रुपए का वो बॉन्ड था लेकिन आपने 80 पे कैलकुलेट किया है, तो इसका मतलब ये क्या है? दिस इज डिस्काउंट पे कैलकुलेट हुआ है. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो, वॉल्टर का जो मॉडल है डिविडेंड पॉलिसी का वो क्या अज्यूम करता है इनमें से? वॉल्टर का जो मॉडल है डिविडेंड पॉलिसी का वो क्या अज्यूम करता है?
that equal to current assets plus current liabilities including bank borrowing. तो वॉल्टर का जो मॉडल है वो रेलेवेंस मॉडल है डिविडेंड पॉलिसी का. क्या कहता है कि भाई डिविडेंड आप देते हैं या नहीं देते हैं ये आपकी वैल्यू ऑफ दी शेयर्स के ऊपर बिल्कुल इम्पैक्ट डालता है. दैट इज एग्जैक्टली वॉट वॉल्टर इज स्टेटिंग इन हिज मॉडल. सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. आज हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करी थी. कल के सेशन के अंदर हम और बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो ये क्लास यूजीसी नेट मैनेजमेंट का आपका डेली एट 3 PM रन करता है. अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने घर पे बैठ करके यूजीसी नेट मैनेजमेंट की तो आप अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं.